ओके हेलो हेलो एवरीवन, हाय, क्या हाल चाल सबके। प्रकृति मैम और हम आ गए हैं साथ में फाइनली। हाँ, जस्ट गिव अ सेकेंड कि हम चेक कर लेते हैं स्ट्रीमिंग बिल्कुल सही है कि नहीं है, एंड देन विल स्टार्ट द सेशन। ओके मैम, आप कंटिन्यू कीजिए, तब तक मैं चेक कर लेता हूँ सेशन वगैरह चालू है कि नहीं है। ओके, हेलो बच्चा लो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल डूइंग। अरे वाह, यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल मैम, 28 लाइव बैठे हैं, 28 के ही लाइक्स आ चुके हैं और बच्चे ऑलरेडी चालू होने से पहले डिसलाइक भी कर चुके हैं। देखो ये बहुत फनी पार्ट था। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल, ये पता नहीं बच्चे क्या करते हैं। लो एक सेकंड स्क्रीन शेयर हटा देते हैं अपने। ओके जी बिल्कुल, बच्चों से बातें बातें करते हैं। ओके हाय, हाउ आर यू, वेलकम वेलकम एवरीवन। हाय मैम, माय नेम इज रोनित। सर को भी हाय कर दो यार, रोनित सर को भी हाय कर दो, अकेले मैम को हाय कर रहे हो। हाय अथर, हाय दिनेश, हाय अनामिका, हाय किरण, मिलन, ओह माय गॉड, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं आज के सेशन। हमारे बच्चे भी आ गए हैं मैम, खुशी भी आ गई है, साक्षी आ गई है, यस, श्रेया जी क्लास 8 में, आओ ना यहाँ पे पब्लिक। अरे क्या बातें कर रहे हो यहाँ पे भाई, ये क्लास चल रही है, तुम्हारी सेशन हो रहा है, तुम लोग कहाँ आने की बातें कर रहे हो। हेलो, देखो मैम मेरी क्लास के बच्चे तो आ गए हैं। ठीक है, ओजस आ गया है, सृष्टि आ गई है। ओजस से मुझे कुछ कहना है, ओजस मेरी क्लास में आना इन्होंने छोड़ दिया है। ओजस को सारे बच्चे याद करते हैं, क्लास बहुत सूनी सूनी हो गई है ओजस के बिना। अरे और इसके अलावा प्राप्ति आ गई है, प्रियु, बहुत सारे बच्चे आ गए, 40 लाए थे बच्चों लोग। एवरीवन लाइक कर दो सबसे पहले तो क्लास को, हमारी सेशन को लाइक कर दो, क्योंकि ये बहुत कम होता है ऐसा कि दो अलग अलग स्ट्रीम के टीचर्स आ जाएं लाइव, क्योंकि नॉर्मली हमने मैथ्स की क्विज ली है आप लोगों के साथ, कल जयंत सर और मैंने ली थी मैथ्स की अनअकैडमी 8 पे, और आज साइंस के आ गए हैं हम लोग। तो जल्दी से एवरीवन लाइक कर दो और सबके साथ शेयर कर दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो पहले सब्सक्राइब कर दो। यस, हाय हाय एवरीवन। अरे बकरी गैंग आ गई हमारी। मैम क्या होता है ना, बच्चों की क्लास में पूछता हूँ कि क्वेश्चन कौन करेगा, सब ऐसे बोल रहे होते हैं मैं, तो मैंने नाम रख दिया बकरी गैंग और बकरी क्लब, ऐसा पूरा कि बकरी सेना, और बच्चे आके बकरी बकरी करते रहते हैं आजकल सारे के सारे। कुछ चिढ़ते भी है, ऐसा हुआ कि कुछ बकरी बकरी पीपल वर राइटिंग, मुझे लगा कि कुछ टाइप, वो मेरी क्लास के होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, यस वो मेरी क्लास वाले पक्का मेरी क्लास के बच्चे हैं और हम ऐसे ही रेड करते हैं। अमेजिंग। ओके सो यस, आज आपका संडे कैसा रहा भाई? सर पहले आप बताइए, आपने संडे को आज क्या किया? मैम मेरे को तो मैम शिफ्ट करना है जयपुर, तो मेरी तो पूरा दिन प्लानिंग में गया, सुबह एक स्पेशल क्लास ली बच्चों की, एंड उसके बाद पूरा दिन मम्मी के साथ बाहर शॉपिंग वगैरह, और इसके अलावा अभी घर आया था आधे घंटे पहले और सेशन की प्लानिंग करी है जस्ट। आप बताओ आपका कैसा रहा? आज बोरिंग था यार, बस क्लासेस थी एंड जस्ट घर पे, बाहर तो नहीं जा पाई मैं। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी क्लास में एक बच्ची है आशना, सो आज आशना का बर्थडे भी है। ओके एवरीवन, आशना का बर्थडे, लेट्स विश हर हैप्पी बर्थडे आशना। यस बच्चों, आप लोग विश करो, मोनू आर्मी रेड। लो मैम देखो मेरे बच्चे भी आ गए, मोनू आर्मी रेड। मोनू क्या है, मेरा घर का नाम है, एंड उसपे बच्चों ने पीछे पड़ गए, बच्चे पता नहीं कैसे मेरी को सोशल मीडिया पहुंचे, क्योंकि नाम इतना यूनिक है कि सर्च मारोगे तो डायरेक्टली मेरा अकाउंट आ जाएगा। और मैंने सोशल मीडिया पे यस ब्रैकेट में मेरा घर का नाम लिखा हुआ है, बच्चे ने वो ढूंढ के आ गए कि मोनू सर बिल्कुल पीछे पड़े पड़े। सो क्यूट। यस मैम। ओके सो एवरीवन इज हियर, एवरीवन जो भी प्रकृति मैम को पसंद करते हैं या मुझे पसंद करते हैं, एवरीवन लाइक कर दो सेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल, देन विल स्टार्ट हमारा सेशन। बातें बातें करेंगे खूब सारी, मेंटी क्विज करेंगे, स्पेशल क्विजेस हैं आपके लिए मैथ्स की भी और साइंस की भी, तो चलो देखते हैं। मैम बताइए आपके बारे में कुछ। यस ओके जी, मैं ये सर ये सोच रही हूँ कि आज मैं क्या खुद के बारे में बताने लग जाऊँ। आई एम जस्ट थिंकिंग एंड वेटिंग कि आज बच्चे ही कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उनके क्वेश्चंस को पढ़ती हूँ और फिर रिप्लाई करती हूँ। तो बच्चों को ही कहा जाता है कि भाई जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं मेरे बारे में, तो प्लीज पूछिए। इसके साथ साथ हम हमारी स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, हमारी पीपीटी जो हमने बनाई है थोड़ी सी, मैम के बारे में जान लेते हैं, साथ में मैम के लिए क्वेश्चंस भी भेज दो आप लोग। ओके यस यस, बच्चों जल्दी जल्दी क्वेश्चन बताते चलिए आप अपने।
चलो मैम का इंट्रोडक्शन मैं दूंगा. दिस इज प्रकृति कपूर, बीएससी लाइफ साइंस एंड एमएससी फॉरेंसिक साइंस, 3 years plus teaching experience, and from the University of Allahabad and National Institute of Criminology and Forensic Science से आए हैं मैम. आपके experience बहुत है. Telegram channel हमारा आपको पता है, link description में मिल जाएगा, उसको जरूर join करना आप लोग. इसके अलावा मैम का free code है, free content का code है Kapoor10. Kapoor10 code से आप Unacademy पे free content use कर सकते हैं, completely free हो जाएगा. मैम की classes देखो, पूरी 7 classes free हो जाएगी, जितने भी free पढ़ी है सब देख सकते हो. ओके इसके अलावा मैम का कोड सब्सक्रिप्शन में यूज कर सकते हो 10% ऑफ के लिए. ठीक है, मैम के बारे में जान लिया हम लोगों ने. मैम ने पीपीटी क्रिएट की है, गेट टू नो. लग गए हैं सर, ये देखिए प्राप्ति का पहला क्वेश्चन है. शी इज सेइंग मैम आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और आप कितने परसेंट आए थे क्लास 12th में. ओह माय गॉड, बच्चों को बिल्कुल जानना होता है मैम कि कितने परसेंट आए थे. तो सर आप पहले बताओ, सर आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है. मैम मेरा हमेशा से मैथ्स रहा है, मतलब लाइक क्लास 4th-5th से ही मेरे को मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट आता था. क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो, कैसे भी करो, ग्रुप्स में बैठते थे क्लास में और मतलब मजा आता था मैथ्स में. और उसी को फिर मैंने 10th के बाद भी जब मुझसे पूछा पेरेंट्स ने कि क्या सब्जेक्ट लेना है, आई वॉज लाइक मैथ्स होना चाहिए, बाकी आप लोग देख लो. फिर एट द एंड साइंस की फैमिली है हमारी पूरी, तो साइंस ही लिया मैंने और नॉन मेडिकल लिया क्योंकि मुझे बायो नहीं चाहिए थी, मैथ्स पसंद थी. उसके बाद मैथ्स ही चल रहा है पूरा अभी तक. ओके इंजीनियरिंग की वहां भी मैथ्स आई. अभी मौका मिला बच्चों को पढ़ाने का तो आई वाज लाइक कि मैथ्स दो मुझे, आई विल टीच मैथ्स. इतना अच्छा लग रहा होगा ना कि आप अब अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ भी पा रहे हो, पढ़ा भी पा रहे हो ना, तो दैट मस्ट बी रियली गुड एंड वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस ना इन बच्चों के साथ. बिल्कुल मैम, आपका बताइए आपका क्या रहा है, व्हाई डिड यू टेक स्किल्स. तो सर लाइक मेरी मैथ्स तो काफी ज्यादा, मेरा और मैथ्स का जो एक नाता है ना वो काफी दुख भरा है. मुझे बहुत डर लगता था मैथ्स से, वो आज भी लगता है. अभी मुझे कोई कहे ना कि 13 का टेबल सुना दो तो आई विल बी लाइक 13 1s are 13 एंड 13 2s 26, उसके बाद आई एम लाइक आई एम सॉरी मुझे नहीं आता. फेवरेट सब्जेक्ट तो मेरा फिजिक्स है. ओके फिजिक्स मैम, मेरा फिजिक्स तो उल्टा ही रहा है वैसे तो, बट ठीक है. चलिए बच्चों से पूछते हैं कि उनको कौन से बच्चे ऐसे जिनको मैथ से डर लगता है, तो चलो जल्दी जल्दी बताओ बच्चा लोग जिनको मैथ से डर लगता है. और बच्चों वो भी बताना जिनका डर मैंने खत्म किया है, साथ में बताना. एग्जैक्टली खुशी का क्वेश्चन है कि मैम वेयर आर यू फ्रॉम. तो खुशी आपका लाइक फॉर टू दिस आई एम फ्रॉम अलाहाबाद. ओके सर आप कहाँ से हो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है. मैम हनुमानगढ़ से हूँ, राजस्थान में है. और जिन बच्चों को लगता है गांव है, इट इज अ डिस्ट्रिक्ट. ओके छोटी जगह है बट इट इज अ डिस्ट्रिक्ट. और यही रहा हूँ मैं बचपन से. इसके अलावा आई वाज इन बोर्डिंग, बाहर भी रहा बट एट द एंड यहीं पे आया हूँ, अभी भी घर पे भी यहीं पे हूँ. एक हमारे स्टूडेंट है सर, वो पूछ रहे हैं कि आप दोनों का निकनेम क्या है. मैम आपका बताओ पहले. मेरा निकनेम तो आई एम नॉट टू श्योर मैं बता पाऊंगी अभी. ओके बच्चों को, बाकी मेरे वाले बच्चों को मेरा निकनेम पता है. मेरा नेम है घर पे मोनू, MONU. और यस, और इवन इतना हो गया कि मेरे घर वाले भी नहीं बुलाते मुझे मोनू के नाम से, कभी कभी मनन के नाम से ही बुलाते हैं. बहुत रेयरली ऐसा कोई होता है जो मुझे इस नाम से बुलाया. अब ये क्या पूछ रहे हैं कि अरे सर के होते डर कैसे होगा. ऑफ कोर्स प्राप्ति आप क्लास अटेंड करते रहो. जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता, यस जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता, बच्चों मैं भी इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा. मैंने अभी तक क्लासेस नहीं ली मैथ्स की. शशांक सर क्लास ले रहे थे मेरी जगह, उनको 8th में वापस दे दिया गया है. एंड आई विल बी बैक इन 1 or 2 days में आपकी क्लासेस चालू करूंगा इसी चैनल पे. और फिर बताना मुझे कितना डर लगता है मैथ्स. ओके बाकी जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं दिसंबर से, उनका तो पूरा डर खत्म हो गया मैम, उनको पूरा कोर्स करवा दिया है, रिवीजन भी करवा दिया है. हम पूछ रहे हैं कि बोथ एज मैम एंड सर आप अपनी एज बता दो सर, बच्चे पूछ रहे हैं. आप बताओ मैम क्या एज है आपकी. ओके टू दिस आई एम 30 years old. और सर अब आप, ओवर टू यू सर. आई एम 24 का हूँ, बहुत छोटा हूँ आपसे. ओके मैम प्लीज से हाय टू मी. लक्ष्मी बोल रही है मैम आपको, हाय. हाय लक्ष्मी, हाउ आर यू लक्ष्मी. हेलो एवरीवन, सृष्टि मैंने आज देख लिया है क्लास में. लक्ष्मी इज हर्ष गर्ल. ओ हर्ष इज आर अमेजिंग स्टूडेंट. हां जी हर्ष है.
ये हर्ष है सही में, मैम मेरी क्लास में भी आता है, बहुत मस्ती करता है हर्ष की तो टांग खींचनी है मुझे अच्छे से। अभी बहुत टाइम से हर्ष इज नॉट ऑन द क्लासेस। हर्ष टू टेल यू बच्चा, आपको सब लोग बहुत मिस कर रहे हैं, आपको और ओजस को स्पेशली। Every time when we have a class, तो चैट पे मैं आप दोनों के नाम जरूर खोजती हूँ। हेलो ओके सो आपका जल्दी से इंट्रोडक्शन हम खत्म करते हैं जी। फिर बच्चों की मेंटी भी चालू करेंगे ओके सो बच्चों मैम के लिए ये क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे हाउ वेल डू यू नो मैम, बताओ मैम बच्चों मैम आपको शाय लगते हैं या फिर आउट गोइंग लगते हैं। चलो इससे चालू करते हैं, फिर इंट्रोडक्शन खत्म करके मेंटी करेंगे हम लोग। और जो भी क्लास में है एवरीवन जस्ट लाइक द क्लास एंड हमें दिखा दो कितना पसंद करते हो आप लोगों ने। तो चलो ये बताओ मैम, मैम वाले बच्चे बताओ मैम शाय है या फिर आउट गोइंग है। शेजा इज सेइंग मैम लड़कियों की एज नहीं पूछते लेकिन बता दो। ओके तो मैम बच्चे बोल रहे हैं आप लोग शाय, आप शाय हो कंफर्म कीजिए। चलो चलो अब यही बात सर के लिए गेस करो, सर शाय है या आउट गोइंग है। ओके मेरे वाले बच्चे खूब जानते होंगे मुझे इस चीज के बारे में, बताओ। चलो ओके तो मैम आपका चल रहा है, ये तो आपका चल रहा है। मेरा हर्ष बता देगा, सृष्टि बता देगी, खुशी क्लास में है, और मुझे और कोई भी दिखता तो बताऊंगा कौन मेरे बारे में बता पाएगा। अच्छा बच्चों अगर चलो ये देखो आउटगोइंग लग रहे हो तो ना तो उसके सामने मनन सर का नाम या मेरा नाम लिख दो, बिकॉज ऐसे पता नहीं चलेगा कि आप किसके बारे में बता रहे हो। ओके ये करते हैं अपने सेट इसको। ओके सो दिस इज मैम और ये रहे सर, देखते हम कितने ऑपोजिट हैं। ओके देखो मैम बच्चे आ गए आउटगोइंग, आयुष भी आ गया, हेलो एवरीवन मेरे बच्चों आ गए सारे क्लास के। यस यस बिल्कुल। चलो म्यूजिक टेस्ट बताओ मैम, बच्चों बताओ मैम का म्यूजिक टेस्ट क्या है। बच्चा मेंटी साइंस और मैथ की होने वाली है, एक साइंस के एजुकेटर आपके सामने एक मैथ के हैं, तो दोनों की मेंटी होगी। चलिए बच्चों बताओ मैम क्या है इनमें से। शाय अदिति इज सेइंग शाय, बोथ आर शाय, समवन इज सेइंग बोथ आर शाय। नहीं नहीं बच्चों मैं बिल्कुल शाय नहीं हूँ, 1% शाय नहीं हूँ मैं, इतना बड़ा मुंह है मेरा, बच्चों को क्या क्या बोलता हूँ उनको पता है अच्छे से। ओके चलो मैम आप ही बताओ ये कौन सा म्यूजिक पसंद है, कंट्री या फिर पॉप। कंट्री या पॉप क्या हो सकता है बच्चा, लोग बताइए। अरे चलिए सर हम लोग कम से कम ये इनकी क्वेश्चन का आंसर रियल आंसर तो बता दें। तो टू मी आई एम लाइक सेलेक्टिव, लाइक एट टाइम्स आई एम वेरी शाय, एट टाइम्स आई एम एब्सोल्युटली क्रेजी एंड आउटगोइंग। ओके मैं कंप्लीटली आउटगोइंग हूं, मतलब मुझे बस ऐसा है कि कोई आ जाए पकड़ के ले जाए आई विल बी रेडी टू गो, कोई नहीं लेके जा रहा होता तो मैं काम करता हूँ ये जाके किसी को ले जाता हूँ उठा के दोस्तों में से कि चलो साथ चलो यार क्या करोगे घर पे बैठ के पूरे दिन। अरे हर्ष आप क्यों कह रहे हो, आप मुझे भूल गए मैं बहुत। ओ ओ ओ हर्ष आपको कोई नहीं भूला बच्चे, आपको तो रोज याद करते हैं क्लास में, आप क्लास हर्ष तुम्हें भूल सकते हैं क्या, उल्टी सीधी बातें करते हो क्लास में आके। चलो ये बताओ मैम आप क्वेश्चन का आंसर करो कि कंट्री म्यूजिक या पॉप म्यूजिक, बच्चों को शायद ही पता होगा ये। आई थिंक आई ओके सो माय चॉइस इज प्रोबेबली कंट्री म्यूजिक। ओके तो यहाँ मैम और सर पूरे उल्टे हो गए हैं फिर से, मेरी चॉइसेस ज्यादातर पॉप में रहती है वैसे, इन दोनों में से चॉइस करो तो, वरना मुझे बीट्स एंड स्लो सब। फाजी का कमेंट बिल्कुल सही है, फाजी व्लॉग्स तो उन्होंने रिप्लाई किया है सर इक्वल्स टू पॉप एंड मैम इक्वल्स टू कंट्री। अरे वाह, अरे क्या बात है क्या बात है, हैट्स ऑफ हैट्स ऑफ उनके लिए हैट्स ऑफ। चलिए जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं पहले, पता आपने अपने बनने से टाइम बहुत लग जाएगा। चलो आपका म्यूजिक या फिर टीवी, चलिए बताइए। मेरा देखते हैं चलो बच्चे क्या बता रहे हैं, आप ही आंसर करो मैम वरना ये बहुत लंबा चला जाएगा, बच्चे जानते भी नहीं हमें, इससे बच्चे जानेंगे हमें। ऑप्शन है म्यूजिक, आई थिंक सर का क्या होगा टीवी। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा टीवी रहता है, टीवी एज इन टीवी नहीं लैपटॉप रहता है मेरा, यस स्क्रीन रहती है मेरी, म्यूजिक सुनने मजा आता है। हेलो हेलो सर क्या लिखा है इन्होंने, हर्ष ने कुछ लिखा है मैम, इतना बड़ा सा मैसेज। आप और मम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, अच्छी बात ये कि आप मुझे नहीं भूले, आप हम सबको बहुत अच्छे लगते हो, मैथ्स में पढ़ते हैं और उनकी मैथ पढ़ने से डर नहीं लगता, ओ वाओ अमेजिंग। मैं बच्चों को पढ़ाता इस तरह से हूँ कि बिल्कुल ऐसा कि मजा आए उनको पढ़ने में, मैथ से डर ना लगे।
एक कमेंट पढ़िए, रजनीश इज सेइंग सर और मैम आर बोथ आर फेवरेट यूट्यूबर। ओके, अच्छा यूट्यूबर बना दिया इन लोगों ने हमें। ओके चलो मैम, फ्रोजन या टैंगल्ड बताइए कौन सी पसंद करेंगे आप? देखना मेरी फ्रोजन है, लिटरली मैंने फ्रोजन देखी है, दोनों मूवीज देखी है। चलो पिज्जा है हैमबर्गर्स? मेरे लिए तो पिज्जा। परफेक्ट, चलो एक चीज तो कॉमन है कम से कम, मेरी भी ऑलवेज पिज्जा रहती है मैम। मतलब खिला लो, ऑर्डर कर दो, बात खत्म। नहीं वो भी बताए। नहीं लगता तो बना लो भाई। हाँ मेरे को बनाना भी आता है, पता है डोमिनोज का सेम मैंने घर पे बना रखा है, बिल्कुल सेम। हितार्थ का भी कमेंट कितना सही है, हितार्थ बोथ टैंगल कमेंट है, सो ही इज रिप्लाइंग बोथ टैंगल एंड देन ही इज रिप्लाइंग बोथ पिज्जा, सो देखिए व्हाट अमेजिंग गेस। कुछ तो सही हो गया। यस बिल्कुल बिल्कुल। आर्ट एंड हिस्ट्री मैम क्या पसंद करेंगे आप? देखना क्या पढ़ना पसंद करेंगे? आर्ट ये है मैम का, और मेरा कुछ भी नहीं है इन दोनों में से, मेरे को दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को घूमना पसंद है सिर्फ। और बाकी जो बच्चे आर्ट बोल रहे हैं ना उनकी मैं ड्राइंग बना देता हूँ ग्लास में एक्चुअली कभी कभी, इसलिए बच्चे आर्ट बोल रहे हैं, बट नहीं आर्ट मेरा नहीं है। ओके नाइकी या फिर अंडर आर्मर मैम? You go with Nike. Actually, मेरा भी सेम है ये Nike के, मैंने बहुत पसंद है मुझे चीजें। और ये बताइए Converse या Vans? I'll go for Converse, old school Converse. मैम is going for Converse. मेरा ये दोनों नहीं है, मुझे शूज में पसंद है मैम, हाई नेक शूज होते हैं ना, द बास्केटबॉलर्स यूज, एक्चुअली मुझे वो ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि मेरा गेम रहा है वो हमेशा से बास्केटबॉल, इसीलिए। क्या बोलते हैं इसको? जॉर्डन्स। जॉर्डन्स जॉर्डन्स Yes. चलिए ये तो चलता रहेगा बाकी हमारा। कि सर आज आप साइंस पढ़ाओ मैम मैथ्स। अरे पागल हो तुम लोग, तुम लोग भूल जाओगे सारे कॉन्सेप्ट जितने पढ़ाए गए हैं आप लोगों को, ठीक है। चलो एक मैम और अमेजिंग लिस्ट है हमारे सामने, तो चलिए अब सर का इंटरव्यू मैं लेती हूँ भाई, ठीक है मैम। सारे क्वेश्चंस पहले मेरे लिए आएंगे, देन सारे क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे, चलिए। तो यस यस so I welcome Manan sir on my interview today. So okay, so it's coffee with Karan के बाद एक बहुत ही interesting सा session और नया show भी आने वाला है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, ये maybe coming year में आ जरूर जाएगा, coffee with Prakriti. Okay, so अब मैं अपनी interviewing skills develop कर रही हूँ, so sir से पूछती हूँ कि sir का favorite beverage क्या है? Coffee. बच्चों को भी पता है मेरा क्या है, बच्चों को पता है मनन सर कॉफी एंड दैट टू ब्लैक कॉफी पीता हूँ मैं, बहुत पीता हूँ मैं, मतलब एडिक्टेड हूँ उस चीज का। 3 या 4 कप मैं दिन में बैठे बैठे पी जाता हूँ, हर क्लास से पहले पीता हूँ। मुझे भी काम किया, बट मुझे बहुत पिंपल्स होने लगे थे तो मैंने कॉफी बहुत कम कर दी। अच्छा ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि आपके मेरे और आप दोनों के फेवरेट यूट्यूबर कौन-कौन से हैं? आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है सर? मैम मेरा है मॉडल गेमिंग चैनल है एक, और मुझे काफी पसंद है वो, और दूसरा वैसे बोलो तो बीबी के वाइंस भी पसंद है मुझे काफी, काफी अच्छी वीडियोस लगती है मुझे उसके। बिल्कुल आपका बताइए कौन सा होगा फेवरेट यूट्यूब चैनल? तो मेरा है पिकअप लाइन, सो इट्स लाइक अ वेरी नाइस चैनल वेयर शी टेल्स बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज और बड़े ही हेल्दी वो खाना बनाने के बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज देती हैं, सो इट्स अ वेरी गुड वन। अगर सर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर यू गिव इट अ वॉच, इट्स पिकअप लाइन। ओके ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टू सर। ओके सर व्हाट वुड यू पिक, हैलोवीन या क्रिसमस? आई विल पिक क्रिसमस बिकॉज मुझे मौसम वो वाला पसंद है, मुझे नहीं मुझे मौसम पसंद है वो वाला, इसीलिए वो टाइम ऑफ द ईयर जो होता है ना डिसम्बर का, आई लाइक इट, मतलब मुझे ठंड ज्यादा पसंद है तो इसीलिए मुझे वो पसंद आता है। और इसके अलावा यस म्यूजिक और मूवी, ऑलवेज होना चाहिए मूवीज ऑफकोर्स, यस सीरीज ऑलवेज मूवीज, म्यूजिक पसंद है बट मूवीज देखना ज्यादा मजा आता है क्योंकि लंबी चलती है, यू कैन सिट और मतलब कुछ खाओ पियो साथ में और देख सकते हो, म्यूजिक सुन लिया काम खत्म हो गया, खत्म हो गया वो चीज, बट मूवीज इज लाइक मतलब जन्नत ऐसा कि देखो बैठ के और तो मजा है उसमें। ओके
नेक्स्ट नेक्स्ट टॉकिंग और टेक्सटिंग, सर को फोन पे बात करना अच्छा लगता है या सर ये बताइए आपको मैसेजिंग करना अच्छा लगता है? यस बिल्कुल टॉकिंग, बिल्कुल टॉकिंग, मुझसे बातें करवा लो, कितनी लंबी बातें करवा लो मैं पूरा ना, कभी कभी मेरे क्लोज वंस के साथ मैं पूरा एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूँ, और कोई न्यू इंसान मिल गया तो यू तो मैं जॉली हूँ बट फिर भी मैं इंट्रोवर्ट रहता हूँ कभी कभी, बट यस मुझे टॉकिंग बहुत पसंद है। हितार्थ का टेक्स्ट, हितार्थ इज सेइंग मनर सर टॉकिंग मैम टेक्सटिंग, तो हितार्थ के गेसेस बहुत सही आ रहे हैं। ओके रजनीश बोल रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड का नाम, बेटा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है आई स्वेयर, और तुम लोग जो बचपन में क्या करते थे ये विद्या कसम वाला, ये देखो हम करते थे विद्या कसम, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। ओके आई एम सिंगल और इसीलिए वैलेंटाइन्स डे मेरा घर पे बन रहा है, ठीक है खुश। ओके तो सर का फेवरेट कलर क्या हो सकता है? सर लेट मी नो योर कलर, फेवरेट कलर ब्लू टाइगर। एक्चुअली वैसे तो मेरा ब्लैक है फेवरेट कलर, क्योंकि ब्लैक पहना है, नीचे ब्लैक है अभी, मुझे ब्लैक परफेक्टली पसंद है, बट यस इफ आई हैव टू चूज देन ब्लू वुड बी माय गुड कलर, मतलब मुझे पसंद आएगा। यस मनन सर का अच्छा बच्चा हूँ, मुझे सब पता है, अरे खुशी खुशी को सब पता है, एक्चुअली पता है बच्चों को, मैं इतना करता था नो योर नो मी सेशन इतने करता हूँ क्लासेस में, मैं पोल करवा देता हूँ नो मी के, बच्चे गेस करते रहते हैं क्या है सब पता पड़ जाता है उन्हें। हर्ष पूछ रहे हैं सर आप क्या हर्ष से नाराज हो? नहीं बच्चा बिल्कुल सर आपसे नाराज नहीं है, सर किसी से भी नाराज नहीं होते। किसी से नाराज नहीं हूँ मैम, पता बच्चे मैं थोड़ा डांट देता हूँ बट बाकी बच्चे समझते हैं कि मैं डांटता क्यों उनको, और ऐसा कुछ नहीं होता कि किससे नाराज हूँ, इफ किसी को लगता है मैं नाराज हूँ तो नहीं, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। ओके पर्पल क्यों नहीं रखा मैम एंड सर बोथ ब्लू, देखिए इन्होंने फिर से एक बहुत सही सर गेस कर लिया, अमेजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्प्रिंग या समर सर ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा स्प्रिंग मेरे लिए, बिकॉज मुझे विंटर्स वैसा है कि समर बिल्कुल पसंद नहीं है, कतई पसीने में बैठे रहो एसी चलाओ क्या करना है पूरे टाइम, मुझे जैकेट्स पसंद आती है, जैकेट्स बैठो और यस मुझे सर मुझे कंफर्म करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम ऑलवेज ऑलवेज एनी डे विंटर चूज करूंगा, कितनी मर्जी ठंड पड़ रही हो, भले थोड़ी सी ठंड हो जो हमारी नवंबर की होती है या फिर बिल्कुल पीक वाली जो जनवरी की होती है, आई विल ऑलवेज चूज विंटर, ऑलवेज चूज विंटर। तो सर का एक नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आप नहाना पसंद करते हैं सर्दियों में? शावर, ऑलवेज शावर। ओके नेक्स्ट थिंग फुटबॉल या सॉकर, इन्होंने उल्टा कर दिया है, ये कुछ गड़बड़ी है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आई लाइक ओनली वन गेम आउटडोर गेम बास्केटबॉल, ओनली वन गेम, और ना मुझे क्रिकेट पसंद है ना कुछ पसंद है, ओनली ओनली बास्केटबॉल। मैम आपके लिए क्वेश्चन है बढ़िया सा, मैम आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? चलिए ये क्वेश्चन तो देखते मैम आज से करते है कि नहीं करते, ओके ओके चलो मैं अपना बर्थडे बता देती हूँ, बाकी बातें नेक्स्ट सेशन के लिए रखते हैं। बच्चों ऐसे करते हैं अवॉइड बातों को, देखो क्वेश्चन घुमाना इसे बोलते हैं। ओके हिमांशु रौनक सिंह, तो पिज्जा या चीज बर्गर? ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, मुझे मेरी चॉइसेस पूरी क्लियर है मैम, पूरी पूरी क्लियर है चॉइसेस मुझे मेरी, ऑलवेज पिज्जा, कितना मर्जी खिला लो, मतलब मैं इस टाइम आप क्या खाना पसंद करेंगे, आज संडे भी है तो आप केक खाना पसंद करेंगे या आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे? मैम आइसक्रीम, सर्दी गर्मी आइसक्रीम, मेरा सर शांत रहता है, बिल्कुल शांत रहता है। फ्री फायर खेलते हो क्या? नहीं बच्चों मैं कोई गेम नहीं खेलता एज ऑफ नाउ, आई यूज टू प्ले पबजी बट फिर वो ऐसा कि टाइम पास के लिए सिर्फ, कि हाँ बहुत सारा काम हो गया, पढ़ाई भी कर ली सब कर लिया, फिर फ्री टाइम बचा तो हाँ चलो खेल लिया आधा घंटा, दैट्स इट और कुछ नहीं। डिड यू रिमेम्बर यू फॉरगॉट? दिव्या बिल्कुल याद है, हर बच्चा याद है क्लास में जो भी है, डोंट वरी सबको याद होगा। ओके चलिए ग्रेप्स एंड वाटरमेलन, आई थिंक इट्स ग्रेप्स, ओके ये देखिए विंटर से मैंने गेस किया, बिल्कुल बिल्कुल ग्रेप्स पसंद, सनसेट आई थिंक ये भी मैं गेस, आप बताओ मुझे क्या पसंद होगा, देखते हैं सर। सनसेट, मैं सनसेट में जाता हूँ बट मुझे सनराइज पसंद है, मैं बहुत वैसे तो लेट उठता हूँ मैं बट यस मैं एंजॉय करता हूँ कभी कभी जल्दी उठ के सनराइज वगैरह, और वो भी ऐसा नहीं घर पे नॉर्मली उठ के, कहीं बाहर घूमने गए हैं तो आई विल लाइक कि मतलब लेट क्या सोना है, बाहर घूमने आए तो सनराइज देख के चलते रहती होगी राइट सर?
मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉलेज में होता था रात भर जग के सुबह सनराइज देखने जाते हैं स्पेशली, क्योंकि जो बहुत ही अच्छा आइडिया है करने का जी. जोधपुर में क्या है, मेहरानगढ़ फोर्ट था हमारा, वहां पे जसवंत थाड़ा के नाम से जगह थी एक. और हम लोग रात भर जग के, एग्जाम्स टाइम में रात भर जग के सुबह 5 बजे वहां गए थे, और वहां गए सनराइज देखने, इतने बारिश चालू हो गई वहां पे बहुत भयंकर वाली अचानक से बिना मौसम की. और फिर हम स्कूटी में वापस आ रहे तीनों फ्रेंड्स, और वो मेरी बेस्ट मेमोरी थी, मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उन दोनों के साथ स्कूटी पे. यस ओके. आयुष उसका आंसर हो गया, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, एंड हैप्पी वैलेंटाइन से हर्ष आपको भी, मैम की तरफ से भी. आयुष पीछे पड़ गया. Yes, इसको हटाते हैं. आपका एक एक करके क्वेश्चन चालू करो मैम. कॉफी या हॉट चॉकलेट? चलो हॉट चॉकलेट, आई विल गो फॉर हॉट चॉकलेट. ओके. हैलोवीन, क्रिसमस? क्रिसमस. क्रिसमस. म्यूजिक मूवीज? म्यूजिक. मैंने पहले टिक कर दिया, देखो. डॉग इन डस्टबिन. ओके. ब्लू और रेड? ब्लू. सही, बिल्कुल सही. स्प्रिंग और समर? आई गेस समर. समर, या. बिल्कुल. चलो, गेसिंग पावर तो अच्छी है मेरी. ऑटम और विंटर? फिर तो ऑटम होगा मैम. ऑटम होगा. ऑटम ही होगा, समर के बाद तो ऑटम ही अच्छा लगता है. बात और शार? चलिए शार. शार, ओके. फुटबॉल सॉकर? कोई भी नहीं, कुछ आता भी नहीं है मुझे तो खेलना. वैसे ये जो फुटबॉल है ना, ये अमेरिकन फुटबॉल है, हमारे लिए फुटबॉल ये होती है. या एग्जैक्टली, दिस इज एग्जैक्टली. बिल्कुल. और पिज्जा चीज बर्गर? पिज्जा. पिज्जा एनी टाइम ऑफ द डे, किसी भी दिन, सोते उठते, बैठते जाते, कभी भी. चलो इसी से एक और क्वेश्चन पूछता हूँ. हिमांशु शेखर. हेलो. हाय 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 मैम, एक क्वेश्चन आपके लिए. बेस्ट पिज्जा कौन सा लगता है आपको, डोमिनोज या पिज्जा हट, किसी का भी खाया हो तो आपने? आई थिंक वो कौन सा होता है, वेजी 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 समथिंग समथिंग, जिसमें सारी वेजिटेबल्स. वेजी पैराडाइज समथिंग आता है ना? या आई थिंक यस, वेजी पैराडाइज. वेजी पैराडाइज. हिमांशु को हेलो बोल दीजिए. हेलो हेलो हिमांशु, हेलो. ओके, तो मैम का वेजी पैराडाइज फेवरेट है. मुझसे पूछोगे तो आई मोस्टली लाइक मैक्सिकन. ग्रीन बे जो डोमिनोज का आता है हमारा. यस, मैक्सिकन चीज बस कर. यस. और इसके अलावा इफ यू आस्क मी पिज्जा हट में क्या चॉइस है, तो उनका एक ओवरलोडेड आता है, ओवरलोडेड थिन क्रस्ट पिज्जा. मैं पूरा खा लेता हूँ वो, मैं पूरा खा लेता हूँ बैठ के आराम से, विद कोल्ड ड्रिंक एंड गार्लिक ब्रेड. पूरा खा लेता हूँ. सर आपकी हेल्थ और फिटनेस देख के क्या पूरा पिज्जा खाते हो? मैम वेट मेरा काफी है. आई यूज्ड टू बी 80 kgs और मैंने अभी लॉकडाउन के बाद कम किया है पूरा. मैं अभी 73 पे आ गया हूँ अभी. सही है मेरा. अब सर हमारी एक स्टूडेंट है अर्पिता, उनका बर्थडे है आज, बहुत ही ऑस्पिशियस. हेलो अर्पिता, हैप्पी बर्थडे अर्पिता. हाय हाय बच्चों, विश करो अर्पिता को हैप्पी बर्थडे अर्पिता. यस, 14th को बर्थडे है मैम. दोनों की तरफ से आपको अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बच्चा, गॉड ब्लेस यू. ओके सो मैम, केक या आइसक्रीम? आइसक्रीम. ओके, ग्रेप्स या वाटरमेलन? वाटरमेलन. नक्षता का मैम नाम ले लीजिए. हाय नक्षता. ओके, सनराइज सनसेट? सनराइज. सनराइज, ओके. काफी चीजें मिलती है वैसे तो मैम और मुझ में. सर इज अ बिग फूडी, बिल्कुल बच्चों जानते हैं. ओके सो मैम, मैं हूँ पूरा फूडी, अच्छे से मतलब अच्छे से, ऑल दो मैं वेजिटेरियन हूँ. फूडी yeah. बोलना थोड़ा गलत हो जाता है वेजिटेरियंस के लिए, बट स्टिल फूडी काउंट करता हूँ मैं. आई कैन कुक ओके ऑलमोस्ट एनीथिंग. मैं बहुत चीजें बना चुका हूँ घर पे, और मेज में मोस्टली फास्ट फूड बनाता हूँ मैं. यू नेम इट, मैंने बना रखा होगा एक बार तो घर पे, जो भी हमारे डेली यूज में खाना है. आप नाम लीजिए किसी भी चीज का. चिली पटेटो. आपका फेवरेट? चिली पटेटो मैम बना रखा है, बिल्कुल बना रखा है. और क्या बना? चिली पोटैटो, गार्लिक ब्रेड. मैंने आपका वीडियो देखा था मैम, गार्लिक ब्रेड तो इतना प्यारा बन गया था ना, मैं सही बताऊं आपको, मतलब
मैंने पड़ोसियों को भी खिलाया था, मेरे घर पे भी खिलाया, एंड दे वर लाइक डोमिनोज से अच्छा बन गया वो, पता नहीं कैसे। मैंने उसमें मेन क्या किया, मोज़रेला चीज भर दी पूरी और गार्लिक बटर पूरा भर दिया उस पे, और उनको ज्यादा अच्छा लग गया वो। बाकी मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या बना रखा, चलो मैं खुद से बताता हूँ। फूड के अंदर मैंने घर पे, सर को क्या क्या बनाने आता है, एंड प्लीज सर को कॉन्टेक्ट करिए अगर आपको सर की स्पेशल रेसिपी जाननी हो तो। मोमो, ओके, मोमोज, पिज्जा हो गए मैम, ओके, सैंडविचेस हर तरह के बना रखे हैं मैंने, ठीक है, गार्लिक ब्रेड हो गई हमारी, वाओ, गार्लिक ब्रेड के अलावा चीज, मैम पता है कम पड़ जाएगा, पता है, चीज बर्गर बना रखे हैं मैंने घर पे, ठीक है, इसके अलावा स्प्रिंग रोल्स बना रखे हैं मैंने, ठीक है, स्प्रिंग रोल अच्छे बन गए थे, सबसे हार्ड निकले स्प्रिंग रोल थे, मेरा हाथ चार पांच बार जल भी गया था उसको बनाते हुए, और ये एक लौती चीज थी कि मुझे मम्मी की हेल्प लेनी पड़ी थी मेरी, इसके अलावा नहीं बन पाता उस दिन। स्प्रिंग रोल के अलावा सैंडविचेस हो गए मैंने, बर्गर्स बना रखे हैं, यू नेम इट, मैंने सब बर्गर बना रखे हैं लगभग घर पे। इसके अलावा हमारी मैगी की भी तीन चार रेसिपीज, मतलब फ्राइड मैगी, गार्लिक मैगी, और इसके अलावा वेजी मैगी, चीजें मैंने, केक बना रखा है, यस मैंने केक बना रखा है, बच्चे बोल रहे थे पैन केक, यस, इसके अलावा ब्राउनीज बना रखी है मैंने घर पे, और बोलो बच्चों, यस बिल्कुल बिल्कुल, पाव भाजी भी बना रखी है मैंने, और मेरा फेवरेट तो मैम ऑल टाइम कुकिंग में मेरा मैक्रोनी आता है, कभी भी बनवा लो। तो किसको किसको अभी भूख लग रही है सर की ये पर्टिकुलर स्लाइड देख के, भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैम इतना खाना बनाया ना घर पे, इतना खाना बनाया, मतलब तो घर वाले ऐसे हो गए थे क्या कर रहा था, लेनी पड़ेगी, ओके, यस, नाउ आई कैन सी दैट। दाल रोटी नहीं, रोटी बनानी आती है, रोटी बनानी आती है, आप बोलो गोल बना दो, पूरी गोल नहीं बनाऊंगा, बट मैं रोटी बना के खिला सकता हूँ, और बेस्ट एक चीज तो रहेगी मेरी, पास्ता, रेड व्हाइट मिक्स सारे बना रखे, जो चीज बनाई है उसमें सब कुछ बनाया मैंने। ये देखो ब्रोकली मैं थोड़ा बनाऊंगा, क्या बात कर रहे हैं तुम लोग, घर पे ब्रोकली कौन बनाता है, ओके, जिसको, यस मैम, जिसको कुछ भी सीखना है मुझसे, सेशन लाइक कर दो, बस पहले सेशन लाइक कर दो, मुझे दिखने चाहिए यहाँ पे 68 लाइक से 70 पार पहुंचते हुए, मुझे दिखने चाहिए यहाँ पे। बिरयानी मुझे बनाने आती है, बिरयानी नहीं मुझे सीखनी है, मुझे बिल्कुल सीखनी है मुझे बिरयानी। सर का फूड लिस्ट है, अब मेरी लिस्ट भी तो सर आप नोट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल। क्वेश्चन, ओके, चलिए मैम बताइए। बिरयानी, ओके, आई कैन मेक बिरयानी, देन आई कैन मेक सैलेड। सैलेड तो मैम क्या काउंट करवा रहे हो, मशरूम सूप नहीं, मैं सर जो मैं अच्छा बना लेती हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ। ओके, चलिए आगे, नेक्स्ट, मैगी और कॉफी, अच्छी वाली, मतलब टेस्टी कॉफी, मैगी एंड कॉफी। हाय शिजा, हेलो, हाय शिजा, खुशी साहब सर आप बनाकर खिलाएंगे कब, मेन बात तो ये आई। मैम जब मिलेंगे आप जयपुर आ जाना, आपको बढ़िया खाना मिल जाएगा बना के, डोंट वरी, आना पड़ेगा, दूसरी बार बोलना नहीं पड़ेगा। यस, चलो और बताओ मैम, ये तो पांच ही हुई आइटम्स। सर बहुत आपने टफ कंपटीशन मुझे दे दिया है, बिरयानी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं क्या बना लेती हूँ, आई मेक पास्ता, सो पास्ता इज डिसेंट, मैं अच्छा पास्ता बना लेती हूँ। ओके, क्या बना लेती, बच्चों मैम हार रहे हैं देखो। आई कैन मेक, रुकिए रुकिए रुकिए, ओके मैम, वी हैव गॉट 75 लाइक्स, मोमोज, ओके, वेरी गुड बच्चों, आज हमारा टारगेट है 100 लाइक्स का, पता है, तो जिसने भी लाइक नहीं किया है सेशन, हमें 100 तक पहुंचाने में आप लोगों की हेल्प चाहिए, देखो हम खुद से नहीं कर पाएंगे, ये मैं बता देता हूँ, वी नीड योर हेल्प, ओके, 70 प्लस लाइक। पूछो बच्चों, सर आपको हलवा बनाने आता है क्या, गाजर का हलवा? मैम मुझे ना आटे का बनाना आता है, सूजी का बनाना आता है, और नहीं आता मुझे, क्योंकि वो बहुत इजीली बन जाते हैं, बाकी गाजर का। सर आप मग पिज्जा बना लेते हो? मग पिज्जा नहीं, मैंने सुना भी नहीं है कभी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, सो इट्स लाइक आई हैव अ स्पेशल रेसिपी, मैं आपको जरूर शेयर करूंगी, सो थोड़ा सा बताओ क्या होता है मग पिज्जा, क्या होता है मग पिज्जा, क्या होता है भाई, बेसिकली जैसे अपन केक का बैटर बनाते हैं ना विद फ्लावर एंड एवरीथिंग, सो उसमें यू पुट अ लिटिल राइजिंग एजेंट, कोई भी बेकिंग सोडा एंड समथिंग समथिंग,
तो वो बैटर आप बना के यू जस्ट कीप इट इन अ लाइक कॉफी मग में आप डालते हो, फिर उसको टॉप कर देते हो आप, उसमें बहुत सारी चीज, वेजिटेबल्स, ऑलिव्स और सॉस एक के बाद एक लगा देते हो, आप लेयर कर देते हो, एंड देन आप उसको 1-2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करते हो एंड इट टर्न्स आउट टू बी लाइक अमेजिंग. अच्छा मग के अंदर पूरा रेडी हो जाता है. ओके, दैट्स द कांसेप्ट. वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा लगा ये सुन के और ये डेफिनेटली मैं बनाऊंगा घर पे कुछ दिनों में. ओके सर, इन फ्रंट ऑफ अस गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. अरे वाह, आप लोग लाइक कर दो वीडियो को, वही हमारे लिए बहुत बड़ा. बिल्कुल, वी हैव गॉट 80 लाइक्स. इसको 100 हमें आज क्लास में पहुंचाना है सेशन में. और मैम बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं मेंटी की, तो करा दे मेंटी इनकी. जी पहले कौन सा मैथ का मेंटी कराते हैं? बोलो मैथ्स या साइंस, किसकी मेंटी लेना चाहोगे पहले बताओ. चलो जल्दी से बताओ, मैथ्स की या साइंस की? ये मेरी बनाई हुई है, ये मैम की बनाई हुई है, उल्टा नहीं किया हम लोगों ने, गलत हो जाते. ओके सर, यस स्तुति, यस स्तुति. मैम नीलम कुमारी स्तुति के नाम से आती है बच्ची. वी हैव टू बिग शेफ इन फ्रंट ऑफ अस. यस, अरे ऐसे थोड़ा ना सिर्फ टीचर है हम लोग, हम शेफ भी हैं, हम स्पोर्ट्स में बहुत. यस बच्चे कह रहे साइंस की मेंटी, तो चलो फिर ये रहा मेंटी का कोड आपका. चलो आ जाओ साइंस की मेंटी पे आ जाओ. कोड मैं आपका लिख के देता हूँ 5451786. और इसके साथ हम मैम टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करके आएंगे हमारा मेंटी कोड. ओके चलिए, ड्यूअल सेशन साइंस मेंटी कोड इज 5451786. बच्चों ज्वाइन कर लो इसे जल्दी से, खूब सारे बच्चे क्लास में है, दिखने चाहिए ज्वाइन किए हुए. चलिए ओके, वी आर वेटिंग और हम देखते हैं अभी क्या क्या, कौन से बच्चे को कौन सा स्टिकर मिला है. सो वी हैव हियर 12 पीपल विद अस एंड 12 से जल्दी जल्दी बढ़ाओ इसको. 12 बच्चे कहाँ हो सर? 9th का है. नहीं बेटा 9th का नहीं है, इट इज 6th, 7th, 8th सेशन. ये क्लास 7th का चैनल है तो 7th की मेंटी होगी. 18 बच्चे आ चुके हैं मेंटी में हमारी. और ये देखो पीछे शिनचैन नाच रहा है हमारा, ये देखो. हाँ, ये मुझे नहीं दिख रहा है. Oh, yes. मैम बैकग्राउंड में शिनचैन है. मुझे नहीं दिख रहा अभी आ जाएगा स्क्रीन पे तो. ओके नहीं दिख रहा, एक सेकंड रुको मैं ना इसको सेट कर देता हूँ. ये लीजिए अब आ जाएगा शिनचैन आपकी स्क्रीन. आ गया देखो मेंटी स्क्रीन, मेंटी स्क्रीन. अरे आ रही है भाई मेंटी स्क्रीन आ रही. 29 पीपल विद अस, यूट्यूब पे भी आ गया हमारा. सब बच्चों जल्दी से मेंटी ज्वाइन कर लो. ओके चलिए 5451786, 35 बच्चे प्लस हो जाएंगे तो हम मेंटी चालू करेंगे. 29 विद अस, 30 हो गए हैं, 31, 40 पे स्टार्ट करना है ना सर. 35 एटलीस्ट होने चाहिए, 40 पहुंच जाए तो बेस्ट है ना. हाँ जी ठीक है, 32-34 है, हो ही गए हैं, 40 का तो टारगेट रखना ही. चलिए बिल्कुल मैम 40 का टारगेट तो रखना चाहिए हमें. 84 लाइक्स भी हो गए हैं, बच्चे पूरी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भी हमारा 100 लाइक्स पहुंचा देंगे. बच्चों एक बच्चा और आ जाओ, 35 आ गए. लेट्स स्टार्ट द मेंटी इन अ मिनट. बच्चे भागते हैं लो सर, क्या यस बोलते भागते हैं. ज्वाइन कर लूं क्या बच्चों के साथ? कर लो मैम बिल्कुल कर लो, मजा आ जाएगा. पूरे कंजेस्टेड हो गए हैं, इस हार्ट को बाहर निकाले, रेड रोज को, वैलेंटाइंस डे के दिन का ही है. चलो इसको अंदर ही डाल देते हैं. ओके सेंटर में रखते हैं इसको. 38 बच्चे हो गए हैं हमारे साथ. माय स्टिकर इज बी. ओके चलिए चलिए चलिए, आई एम दिस गाय. ओके दिस गाय कहां है? ये रहा, ये रहा. ओके 38 पीपल विद अस, दो बच्चे और आ जाओ फिर मेंटी चालू कर देते हैं हम लोग जल्दी से. यस 39 हो गए हैं, 40 होते ही चालू कर देंगे मेंटी इन 10 seconds. बच्चों 10, 9, 8 कोड चाहिए, कोड चाहिए, रुको कोड देते हैं. 5451786. यस 5451786 इज योर कोड. लेट्स ज्वाइन द मेंटी. ओके चलो चालू करें मैम. 35 प्लस बच्चे हो गए हमारे. 10 सेकंड्स में चालू करते हैं. ओके जिनको नहीं आता है उनको मैं बता देता हूँ, एक सेकंड दो मुझे. जिनको नहीं आता है उनको मैं बता देता हूँ ठीक है. सो जिनको नहीं आता है दे कैन ज्वाइन द मेंटी बाय गोइंग ऑन menti.com. ओके By going on menti.com, menti.com पे जाइए, वहां पे कोड एंटर कीजिए 5451786 एंड यू विल बी इन द मेंटी. चलो आ जाइए.
चलिए 45 हो गए मैम, देखो बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, बच्चों 45 बच्चे, वेरी गुड। चलो चलो मैम चालू करते हैं 10-5 सेकंड्स में, 5, 4, 3, 2, 1। फर्स्ट क्वेश्चन मेंटी का आपके स्क्रीन पे ये रहा, और मेंटी मैम लैग करने लगी इतने बच्चों के कारण। देखो मैग्नेट्स क्या अट्रैक्ट करती है बच्चों, क्लिक करो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, वुड, ग्लास, पेपर या फिर आयरन। और मैम इतना जल्दी आंसर कर रहे हैं ना बच्चे, देखो 45 सेकंड तो लगने ही नहीं देंगे बच्चे, 30 सेकंड तक आंसर हो जाएगा आई गेस, एक दो बच्चों को छोड़ के। 45 का आंसर हो गया, देखो हाय हाय, हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम, जो भी नया है सेशन में एवरीवन लाइक करो, हमारा गोल है लाइक का 100। चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो प्लीज जाकर के वीडियो को जरूर लाइक करो। ओके जी बिल्कुल लाइक कीजिए सेशन को, हमारा टारगेट है 100 लाइक्स का, 100 रीच होते ही हम नया टारगेट बना देंगे। चलिए 50 बच्चों के आगे मैम आंसर, देखो 50 बच्चे हैं क्लास में, हाफ सेंचुरी हो गई है तो, और एक बच्चे का मिस क्लिक हुआ है, उसके अलावा सब ने आंसर दिया, वेरी गुड, अमेजिंग, ये बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू। ये काफी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है, बट स्टिल बच्चों ने गंदे गंदे नाम लिखे हैं, इनको चेंज कर देते हैं। देखो मैम इतना गंदा नाम केक में बदल गया, लिखा था FU और उसको केक में बदल दिया हमने। ओके गौरव वाज द फास्टेस्ट, वेरी गुड गौरव, हाय हाय हाय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें मैम। देखिए सर शिनचैन डांस इतना अच्छा करता है, सर आप बताओ आपको डांस करना आता है? हम नहीं आता, मतलब एम्बेरस हो जाऊंगा मैं, इसलिए मैं करता ही नहीं। चालू करें मैम काउंटडाउन, दो 5 सेकंड का, फिर चालू करेंगे क्वेश्चन देंगे। चलो 3, 2, 1, 1, 2 का 3, 2 का 1, 4 ये लीजिए। ओके क्वेश्चन आंसर करो चलो बच्चों, व्हिच एनिमल लेज एग्स, देखते हैं आपकी साइंस मैम ने कितनी अच्छी पढ़ाई है आप लोगों को, फिश, हेन, बर्ड या फिर ऑल ऑफ दीस। 47 बच्चे आंसर कर भी चुके हैं, बाप रे क्या बच्चों की स्पीड है मैम, मेरी क्लास में कभी आंसर नहीं आता बता इतने जल्दी। बोल रही है स्तुति, क्या कह रहे हो आप, सृष्टि कह रही है सर स्तुति तब से कुछ बोल रही है, सुन लो उसकी भी। हाँ जी स्तुति बताइए क्या कह रही है। स्तुति हाँ बोलो बोलो, वेट कर रहे हैं आपके कमेंट का ही। 55 बच्चों के आंसर, वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज आंसर था बच्चों, ऑल ऑफ आंसर था, सारी होंगी यार, क्या फिश के अलावा हेन और बर्ड क्या करती है? बिल्कुल बिल्कुल, हैन के तो मैम सबको याद है, मुर्गियों के अंडे बच्चे बहुत खाया करते हैं। तो बड़ा गलत कर दिया सर इन्होंने, तो मेरा तो दिल तोड़ दिया मैम, मेरे सर पे कबूतर का अंडा फूटा हुआ सर, हमारे क्या था घर के सामने दीवार थी पूरी, और उसमें ईंटे हटी हुई थी, कुछ जगह टूटी हुई थी, तो वहां पे कबूतरों ने घोंसला बना लिया था, और मैं छोटा मैं जा रहा था घर से निकला और अंडा गिरा। और बहुत बहुत बताना चाहिए एग ना एक बहुत अच्छा हेयर कंडीशनर होता है वो मैम मुझे पता है, बट मेरे को पसंद ही नहीं है, मेरे को स्मेल पसंद नहीं है, कैसा हो गया होगा। बहुत गंदा लग गया था, मैं रोता हूँ घर के, तो छोटा था बिल्कुल मैं। हाय बोलो, हाय स्तुति, हेलो, हाय स्तुति, चलो सर क्या मैम सब लोग हाय बोल रहे हैं स्तुति को। वैभव वाज द फास्टेस्ट, सो फर्स्ट पे आ गया अर्पित, 6th ग्रेडर मैम, देखो 6th ग्रेडर के बच्चे के ऊपर। अरे वाह, एंड प्राप्ति एंड Yes, प्राप्ति आ गए, इनका नाम नहीं पढ़ पा रहे तो इनको वाटरमेलन में चेंज कर देते हैं हम, ये लीजिए वॉटसन आ गया, चलो वॉटसन भी अच्छा है, क्या करना है। ओके चलो हाय 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 एवरीवन, हाय, नेक्स्ट क्वेश्चन विल स्टार्ट इन 5 seconds, 5, 4, 3, 2, 1। ये लीजिए बच्चा पार्टी आपका, ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट एनर्जी इमर्जेस फ्रॉम मोशन, बताइए। मैं देखता हूँ मैम मुझे भी आता है कि नहीं आता, 50 आते ही मैं कर दूंगा मैं अभी। ओके चलिए, इमर्जेस फ्रॉम मोशन, मैम इसका आंसर आई गेस मुझे पता है, एवरीवन वोटेड लिखाते बता दूंगा आंसर आपको, नोटा भी डाला है आपने। ओके नन ऑफ द अबव राइट, 56 बच्चों के आंसर, 57 इसका आंसर, ऐसे मेरे हिसाब से है ना, मुझे पता है इतनी फिजिक्स तो मुझे आती है छोटी मोटी। इजी है, लेमन स्क्वीजी है ये तो क्वेश्चन एकदम, बिल्कुल 59 बच्चों के आंसर, कोड बता दीजिए सुप्रिया, इज कोड इज 5415786, 5451 मैम, 5451786 इज द कोड, एंड मैम आई गेस इसका आंसर काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। हां जी
और मुझे फॉर्मूला भी याद है, बता दीजिए सर क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला, मुझे याद है ना इसका। ओके 29 सर आई कांट जॉइन। ओके बच्चों देख लो मैं बता देता हूँ कैसे ज्वाइन करना एक बार और। ओके सो यू गो टू menti.com menti.com और ये कोड एंटर कीजिए 5451786 और वेट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चालू करेंगे तो अपने आप आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। ओके चलो चलिए देखते हैं किसका सही हुआ किसका गलत हुआ। हाय हाय आई एम न्यू। बच्चों जो भी नया है पुराना है 100 लाइक्स का हमारा टारगेट है, जस्ट मेक इट रीच। ओके 100 करा दीजिए, देखते किन का सही हुआ है। चलो मैम फर्स्ट नंबर फर्स्ट बच्चे का नाम पढ़ना आप। ओके टॉप 3 का बिल्कुल यस। ओके स्तुति आ गई देखो मैम। स्तुति बच्चे पूछ रहे हैं इफ यू आर अ बीटीएस फैन और नॉट। नहीं मैम मैंने बीटीएस का कोई सॉन्ग नहीं सुना है अभी तक, मुझे पता है बीटीएस बैंड का बट मैंने सॉन्ग नहीं सुना है मैम। सुनना भी ना चाहो। ओके ओके ऐसी बात है क्या। ओके मैम ये देखो इस नंबर पे देखो कौन है। हाय क्यूटी पाई हाउ आर यू। फिफ्थ नंबर पे देखो मैम कौन सा है। देखो हाय बच्चा हाउ आर यू। हाय अश्वनी। सो सबसे पहले फास्टेस्ट है वैभव, देन वॉटसन, देन सौम्या, हर्ष, स्तुति सर हाय तो बोल दो हमसे, तन्वी, समर्थ, अभिनव, साक्षी। आई एम वेरी सॉरी मैंने हाय नहीं बोला आपको। ओके थैंक यू फॉर लाइकिंग द वीडियो बच्चा। लोग जो नए आ रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए। आज का टारगेट चलो 200 लाइक्स होना चाहिए। बिल्कुल मैम 200 लाइक्स का टारगेट, बट फर्स्ट विल रीच 100 लाइक्स। 97 हो चुके हैं ऑलरेडी। यस मैम 97 हो चुके हैं, 100 पहुंचा दो, 100 के ऊपर फिर नया टारगेट देंगे आप लोगों को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई विल रीड द क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये आपके स्क्रीन पे। चलिए अ लायन इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। मुझे इसका आंसर पता है, मुझे इसका आंसर पता है, इसे पता है मुझे आंसर। ओके ये मुझे पता है क्योंकि एग्जैक्टली वो ही जानवर ने मुझे काटा भी हुआ है एक बार। ओके आई लाइक यस बच्चों माही को हेलो बोल दीजिए प्लीज। हाय हाय माही, हाय एवरीवन, जिसको भी हमने मिस कर दिया हाय बोलने से, हाय एवरीवन, हेलो सबको, एंड अगेन अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चा लोग। ये मैं आपको वेलकम करना भूल गई बातों में। ओके हर सिंगल भी आ गया, हेलो मोनू। बेटा मोनू क्या होता है, एटलीस्ट सर लगाओ आगे वरना डांट खाओगे मुझसे, ठीक है? अपनी तमीज ध्यान रखो। और मैम विकास आ गए हैं, विकास समर्थ के नाम से आए थे कल भी हमारी क्लास में। 58 बच्चों का आंसर आ गया है और मैं बता देता हूँ बच्चों मुझे कैट ने काटा हुआ है पैर। मुझे कैट ने काटा हुआ है, शाय एनिमल होता है बहुत ज्यादा और उसने भी काट दिया मुझे। और बच्चे एक बात बताओ, लायन और रैट का क्या रिलेशन है या फिर लायन और बैट का क्या रिलेशन है? लायन उड़ता हो गया। मैम वी हैव सक्सेसफुली रीच्ड 100 लाइक्स ऑन आवर क्लास, 100 लाइक्स रीच करवा दिए बच्चों ने। बिल्कुल नेक्स्ट टारगेट बोलो, नेक्स्ट टारगेट 110 का रखे मैम, 10 लाइक्स पे बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। नेक्स्ट टारगेट 110 लाइक्स का। यस ज्योति मैम की कैसे डांटो के जरा बता दो। चलो बता दूंगा आज, पता मैम मैंने हर्ष, एक हर्ष गर्ग है उसको सो मैंने डराया था कि हर क्लास में उसकी फोटो लगवाऊंगा मैं, हर क्लास 7 का जो भी टीचर होगा उसकी फोटो लगा के रोज उसकी टांग खींचेगा अगर उसने उल्टा सीधा बोलना चुप नहीं किया तो। और वो ऐसा होगा सॉरी 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 मस्ती कर रहे हो। मुझे लगा फॉरेस्ट में रहते इसलिए। ओके बच्चा ये जेनेटिकली क्लोज रिलेटिव्स को पूछ रहे हैं, एक जगह पे नहीं इस हिसाब से तो एक जगह पे शायद बिल्ली शायद रहती है, राइट? ओके सो बच्चों वैभव इज ऑन द टॉप, वैभव फर्स्ट पे आ गया है, उसका फास्टेस्ट आंसर था। एंड उसके बाद वॉटसन, हर्ष गर्ग, समर्थ, तन्वी, अनिशा, प्राप्ति, उसके अलावा सौम्या, अर्पित, सिक्स ग्रेड एंड दिव्या। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कौन आ गया, कौन आ गया? हर्ष सिंगल, मैंने तो नहीं देखा उनको आया हुआ। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन मैम रीड करेंगे आपके लिए, फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। Which cell organelle is also called powerhouse of the cell? सब एनर्जी कहाँ से आती है? Where is the energy storehouse in the cell? Mitochondria, nucleus, and the above.
ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि मैम किसी को साइंस से आती ना आती हो, कॉमर्स वाले बच्चे भी डायरेक्टली आंसर करते हैं, ये लाइन याद हो जाती है, याद हो जाती है, ये लाइन ही याद हो जाती है बच्चों। सर इज द बेस्ट। अरे मैम बिल्कुल, बच्चे बोलते ही रहते हैं, खूब बोलते हैं बच्चे। अमेजिंग। चलो 23 सेकंड्स, 22, 21। ओके चलिए। हाय अरिणिमा, हाय अरिणिमा बच्चा, हाउ आर यू डूइंग? चलिए 10 सेकंड बचे हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। याद है, पता ही याद होगा। देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, न्यूक्लियस कह दिया, राइबोसोम भी कह दिया। अरे बाबा कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस के आसपास होता है या अंदर होता है मैम? बाहर होता है, ये मेरे को याद नहीं है। बाहर होता है, ओके, सेल के अंदर होता है। हाँ सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके सर, आपने अभी मेरी टांग किसका बन दिया। हेलो अर्पित, हाय अथर, हाय जानवी। मैम ये लक्ष्मी, लक्ष्मी घर के नाम से हर्ष है ना, इसकी मैं रोज टांग खींचता हूँ और बहुत मजा आता है मुझे बच्चों से मस्ती करता है। हेलो, और इसी के साथ हर्ष टॉप पे आ गया मैम, देखो। अरे वाह, हर्ष इज हियर। क्या बिल्कुल मैम, हर्ष वाज इज हियर। ओके अर्पित वाज द फास्टेस्ट एंड ये रहे टॉप 10 के नाम। और इसी के साथ मैम हमारे छोटे छोटे जो गोल्स हो रहे हैं ना, हमने वो भी रीच कर लिए हैं। अरे तो 100, we should go for 200 likes. मैम जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, बट 110 से 120 होके जाएंगे। नेक्स्ट गोल इज 120 बच्चों, 120 गोल्स का टारगेट है आपका। देखते हैं कैसे, कितना जल्दी पूरा करते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कर पाते हो कि नहीं कर पाते। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सिक्स क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। दो क्वेश्चन बचे हैं, देखते हैं कौन जीतेगा हमारी मेंटी क्विज। द कंट्रोल सेंटर ऑफ एवरी सिंगल सेल इन योर बॉडी इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। इनसाइड द न्यूक्लियस आर द कोडिंग स्ट्रैंड्स दैट मेक्स यू यू। कौन से होते हैं वो कोडिंग स्ट्रैंड्स, आपको ये बताना है, आंसर करना है। और मैम ऑप्शन मैम ऑप्शन के लिए हैट्स ऑफ, मैम ऑप्शन के लिए हैट्स ऑफ आपके लिए बिल्कुल। इतने प्यारे ऑप्शंस दिए ना आपने, बट आपने टाइम बहुत दे दिया बच्चों को, पता है मैम, छोटा टाइम दिया करो बच्चों, कम टाइम दिया करो, ताकि बच्चे ऐसा होता है कि अरे अरे इतना सा टाइम क्यों दिया, हम जल्दी से आंसर करेंगे। वरना देखो बच्चे वेट करते हैं लास्ट सेकंड तक आंसर करने का। Yes, they are doing that. चलिए डीएनए होता है बच्चों, क्योंकि वो अकेला ही होता है सेल के अंदर। एचटीएमएल और डब्ल्यूडब्ल्यू तो जिनको फुल फॉर्म नहीं पता, मैम आपको एचटीएमएल फुल फॉर्म पता है, बोलिए बताइए। मार्कअप लैंग्वेज, देखो मैम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, स्पेलिंग गलत हो जाए तो मत डांटना मुझे बच्चों। बाकी सही लिखता हूं मैं। WWW की होती है वर्ल्ड वाइड वेब। बच्चे ये जानने के लिए बस आपके, इसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, थोड़ा गंदा सा लिखा है मैंने, एंड ये हमारी वेबसाइट्स में काम आता है और बहुत सारी कोडिंग में भी काम आता है। अब बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर जावा काम आता है, जावा लैंग्वेज काम आती है, बच्चों ये भी काम आता है, HTML लैंग्वेज होती है और ये काम आती है। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम लीडर बोर्ड भी चेक करेंगे। ये रहा लीडर बोर्ड आपके स्क्रीन पे। ओके लीडर बोर्ड में हर्ष, यार हर्ष कहाँ रह गया यार, नहीं हर्ष टॉप पे रहना था। हाँ फेस कैम बड़ा करो मैम, आपके स्क्रीन पे फेस कैम को शायद राइट लाने का ऑप्शन होगा, देखो एक बार उसको पुल करके राइट में शायद आई गेस आप ला सकते हो। हाँ ट्रिक देख रहे हैं, देख रहे हैं द्विज, देख रहे हैं, या फिर उस पर राइट क्लिक करके देखो कहीं ऑप्शन आएगा साइड में करने का, मे बी, क्योंकि मेरे पास तो राइट में ही आ रहा है। पिन आ रहा है, शो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट हेल्प साइड व्यू रीनेम आ रहा है। ओके तो शायद नहीं हो पाया, कोड दो, बता दो कोड, बता दो बेटा कोड, ऊपर लिखा हुआ है 5451786। एंड इसी के साथ टॉप पे है वैभव, प्राप्ति, अनिशा, रौनक, रौनक गॉड गैंग, देखो मैम गॉड गैंग मेरी वाली है। ओके वॉटसन है, फिर खुशी मेंबर ऑफ मोनू सेना, देखो मैम मोनू सेना, हमने सुबह फाइनल किया था कि मोनू सेना बोला जाएगा मेरी सेना को, बट बच्चों को बकरी गैंग या फिर गॉड गैंग मोनू सेना बिल्कुल। हर्ष भी है यहाँ पे, वेदाक्षी भी है, तन्वी है, राधे 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 बच्चा राधे राधे। ओके
सो लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैम पढ़ के बताएंगे और मैं भी आंसर दूंगा इस क्वेश्चन का. चलिए पढ़िए मैम क्वेश्चन. पढ़िए बहुत क्वेश्चन पढ़िए. Which of the following animals is capable of living both in water and on the land? Oh my God, options kya rakhe aapne? Shit. Manan sir, Jain sir, Prakriti ma'am, Nota, Frog ya fir Fish? Batao, batao. Aur bachche pakka answer karenge ma'am, mere naam pe dekhna. Mere bachche aise, aise matlab hai na ki answer karenge hi mere naam pe. Kya option diya? Kya option diya? Koi to kushi. बाकी बच्चों जिन्होंने लाइक नहीं करा, हमारा लाइक टारगेट है 120 लाइक्स का. अभी आप लोग 4 लाइक्स पीछे हैं, तो लेट्स लाइक द क्लास. ओके, लेट्स लाइक द सेशन. देखते हैं बच्चों क्या आंसर करते हो. बच्चे पक्का मैं मेरे नाम पे आंसर करेंगे, हमारी गोट गैंग वाले, और आपके बच्चे आप पे आंसर करेंगे. मुझे भी ऐसे ही लगा, चलिए कुछ मस्ती ऐसी होनी. बिल्कुल देखो, बिल्कुल देखो. अरे एक बच्चे ने आंसर किया, बच्चों इस पे तो मस्ती मार लेते हैं हमारा नाम पे टिक करके. ओके, बाकी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है, फ्रॉग इज द आंसर. ऊपर भी रहता है, पानी में भी रहता है, ऊपर ही. हाँ चलिए, इसको पता है हम क्या बोला करते थे मैम, मेरे को नाम याद आ जाए. हिंदी में मैंने हिंदी में पढ़ी ये सब चीजें, क्योंकि मैं 8 तक हिंदी में था. इनको शायद हम क्या बोला करते, उनको नाम याद नहीं आ रहा. हिंदी में क्या, उनको नाम याद आ जाएगा थोड़ी देर में, मैं बता दूंगा. ओके, तो हियर इज द लीडर बोर्ड फाइनल. मेंढक, बच्चा मेंढक तो फ्रॉग को बोलते हैं. हाँ सर एंड मैम आप बोल रहे हो. बच्चा हम लोग एनिमल किंगडम को ही बिलोंग करते हैं, राइट? हम लोगों का स्पीशीज होमो सेपियंस हम लोग हैं, बट देन वी यूज्ड टू कॉल इट उभयचर. उभयचर जानवर, उभयचर. वेबर 5912 पॉइंट के साथ टॉप देन प्राप्ति देन रौनक देन वॉटसन अनिशा खुशी विदाक्षी देन इसके बाद तन्वी है राधे राधे एंड समर्थ. मैम समर्थ जो है ना, समर्थ श्रीवास्तव, ही वॉज ऑन द टॉप हमारी कल दो मेंटिक में, दोनों में फर्स्ट आया था. वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस. और इसके साथ हम आ गए हैं बैक हमारी पीपीटी के ऊपर एंड विल स्टॉप द शेयर. चलिए हमें भी देख लो थोड़ी बड़ी स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए. चलिए सर अब कराओ मैथ्स मेंटी, आऊंगी लीडर बोर्ड में. मैम देखो स्तुति आएगी, स्तुति बोल चुकी है पहले से. ओके चलो, इसी के साथ हमारा लाइक गोल तो कंप्लीट हो गया है. Like target is completed. 120 likes हो गए हैं. Next goal बोलो बच्चों, इतना तो पता लग गया होगा ना. Next goal क्या है हमारा? It is of 130 likes का goal हमारा. साथ साथ मैं इसको भी मिटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये तो reach हो गया है. चलिए चलिए मैथ्स मेंटी अभी करनी है क्या? अभी करनी है, दो मिनट रुक के करोगे? मैम से questions नहीं पूछोगे या मुझसे questions नहीं पूछोगे? बोलिए questions पूछो हमसे थोड़े से. चलो आ जाओ, क्वेश्चन पूछो हमसे. यस 150 लाइक भी कर लेंगे. 126, अरे वाह, अरे क्या बात है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. 130 धीरे धीरे बढ़ेंगे. यस बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे लाइक्स पे बढ़ेंगे. अभी 125 126 हैं, 130 पहुंचते 140 का टर्न. कैन आई गेट योर नंबर? No, we you cannot get our number, Rajneesh. Okay, चलिए और questions बताइए, और questions बताइए, question पूछिए हमसे. Yes, sir, are you happy to take something really good? Lakshita Garg, are you happy to take something really good? बेटा मैं बहुत खुश हूँ, मैं ये class लेने के बाद बहुत ज्यादा interaction का मौका मिलता है इसीलिए. Okay, question पूछो यार मैम से. मैं क्या पूछूं, कोई बताएगा क्या बताना है भाई? स्विगी बॉय, कैन वी बी फ्रेंड्स? बेटा वी आर ऑलरेडी फ्रेंड्स. आप मेरी क्लास में हो, मैम की क्लास में हो, हमारे सेशंस अटेंड करते हो, तो वी आर ऑलरेडी फ्रेंड्स. डोंट वरी, ऐसा नहीं बोलने की जरूरत. हाय शिवानी. ओके शिवानी, वेयर डू यू लिव? शी इज आस्किंग सर वेयर डू यू लिव. ओके बेटा, आई लिव इन हनुमानगढ़ राजस्थान. राजीव बिल्कुल, 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 मेरे पास भी कोई नहीं है, आपके पास भी कोई नहीं है.
मुझे आपको डांस करना आता है क्या? बिल्कुल नो, ना मुझे गाना गाना आता, मेरा गाना सुन के क्यों कान खराब करोगे अपने आजी और डांस देख के हंसोगे, तो कॉमेडी शो नहीं है ये हमारा। ओके हाँ हाँ आयुष हमारे पास तो है ना, वी आर कॉलीग्स इसीलिए हमारे पास है आपस का नंबर। व्हेन इज योर बर्थडे मैम, आपका बर्थडे कब आता है? मेरा तो दिसंबर 8, आपका कब होता है? मेरा है 5 नवंबर मैम, ये है मैम का और ये है सर का। अरे वाह। ओके यस आई एम सूरत, सूरतगढ़, आई एम सूरतगढ़, नाम थोड़ा ना आपका। व्हाट इज योर हॉबी? बच्चों मेरी हॉबी है बास्केटबॉल खेलना, ओके, वन कुकिंग, टू और इसके अलावा घूमना, एज इन वॉक्स, लॉन्ग वॉक्स। मैं लिटरली मैम 3-4 किलोमीटर की वॉक पे चला जाता हूँ कभी कभी, बिना सोचे निकल लेता हूँ मैम, और घूमते रहो, मैं लिटरली 1-2 घंटे घूमता ही रहता हूँ, वॉकिंग पूरी और फिर घर आओ आराम करो उसके बाद। अमेजिंग, प्लीज डांस करो, मोटिवेशन मिल रहा है आपकी बात सुन के। मैम एक्चुअली मैंने क्या किया था ना, जिम छोड़ दिया था कुछ टाइम पहले, क्योंकि मतलब एक बार के लिए ब्रेक आया था बीच में मेरा और मन ही नहीं किया जाने का, और कुछ तो हेल्थ के लिए करना था, एक्सरसाइज में घर पे कभी नहीं कर सकता अकेला, तो मैं वॉक पे जाने लग गया। शुरू में 10 मिनट 15 मिनट की वॉक करते करते मैम इतना हो गया कि मतलब बच्चों को यहाँ बैठ के पढ़ाना होता है तो पैर भी दर्द करते हैं एक टाइम के बाद, तो वॉक चालू करी और कभी कभी 2-2 घंटे की वॉक हो जाती थी। आई डेयर यू टू डांस, नहीं हम ले ही नहीं रहे, डेयर नॉट एक्सेप्टेड, डेयर नॉट एक्सेप्टेड। What is your favorite song? Khushi is asking what is your favorite song. Sir, बताइए आपका favorite song क्या है? फिर मैं अभी currently जिंद माही के नाम से song है और ये है MTV Unplugged का song जो है by Diljit. बहुत प्यारा song है, मुझे पंजाबी समझ आती है इसलिए बहुत प्यारा song है और मैं इसको दिन में बहुत बार सुनता हूँ आजकल, back to back मतलब repeat पे सुन रहा हूँ इस song को। आपका बताओ मैम। मेरा सॉन्ग है वे माही, वो वे माही केसरी मूवी का सॉन्ग, अरिजीत सिंह। वे माही केसरी का, अच्छा ओके 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 केसरी का। दूसरा सॉन्ग कौन सा है? फोटोग्राफ, एड शीरन। यस फोटोग्राफ इज अ वेरी गुड सॉन्ग, फोटोग्राफ बाय एड शीरन, नाइस। ओके इंग्लिश में मेरा पूछोगे तो मेरा सॉन्ग है बेस्ट नेवर सेटल, तो ये तो 1+ का हो गया। ओके ओके मेरा फेवरेट सॉन्ग है मैम नेवर स्लीप अलोन। ओके मतलब एनी डे सुन सकता हूँ इसको मैं बाय कैस्केड, ये मिक्सर है मतलब, हाँ क्योंकि ये सॉन्ग मिक्स हो करते हैं एक्चुअली, इसके कैस्केड काफी सॉन्ग आते हैं बीट्स मिक्स करके, जैसे कि बिलीवर सॉन्ग है हमारे इमेजिन ड्रैगन्स का, उनका भी कैस्केड वर्जन बनाया और बहुत प्यारा बना हुआ है वो। व्हाट इज योर इंस्टा आईडी? नहीं नहीं कोई इंस्टा आईडी शेयर नहीं होगी, कोई सोशल मीडिया शेयर नहीं होगी, पूछा ही मत। ओ मैम पूछ, भूल भूल के हमने ध्यान नहीं दिया कि 130 लाइक्स रीच हो गए हमारे, देखो अभी तो इसको क्या करना है, 150 करना है क्या? 140 थोड़ा थोड़ा चलेंगे, बच्चों को भी टाइम देंगे, 140 लाइक्स का हमारा न्यू टारगेट, देखते हैं कितनी देर में रीच करते हैं। लाइक खुशी इज आस्किंग मैम प्लीज सिंग, ओ गॉड। चलो मैम चालू हो जाओ। ओके तो खुशी आप गाना बताइए बच्चा, ठीक है आप गाना मुझे, आप सॉन्ग पिक करके बता दो, इट्स अप टू यू, आप लोग सॉन्ग मुझे बता दो, आई विल टेक योर सॉन्ग रिक्वेस्ट एंड देन आई विल सिंग। ओके सो शिवानी पूछे डू यू बिलीव इन गॉड्स, मैम बताओ। भगवान पे बिलीव करता हूँ तो नेचुरल सी बात है गोस्ट पे बिलीव करता हूँ मैं। मुझे डर भी लगता है, मुझे डर भी लगता है कभी कभी, बिल्कुल मैं बिलीव करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत बिलीव करता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। मैं हॉरर मूवीज देखना मुझे पसंद है। फेवरेट सॉन्ग ही गा दो मैम, वे माही गा दो, चलो फेवरेट सॉन्ग ही गा दीजिए। अरे तो बड़ा ही डिफिकल्ट सॉन्ग है यार, पंजाबी मिक्स है ना पूरा इसीलिए। What song is that? Yeah. माही मैनू छड़ेयो ना के तेरे बिन दिल नहीं लगना, जिथे भी तू चलना चलिया, माही मैं पीछे 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 चलना, चलना। तू जी सकती नहीं मैं जी सकता नहीं, आगे आदमी। चलो हो गया ना, दोनों ने गालियां, देखो मेरे को भी बोल दो नाइस यार, बच्चे बोल रहे नाइस मैम, देखो
ओके सॉन्ग्स मुझे आते हैं, मैं बहुत सॉन्ग सुनता हूँ मैं, तो सॉन्ग्स मुझे काफी याद है, बट ये कि कोई बीट पकड़ देना, कोई लाइन बोल दे तो उसके बाद याद आता है डायरेक्टली. आप बोलो कि लाइन गा दो तो नहीं होता, समवन टेल्स ना, थोड़ा सा कोई गा दे तो फिर ठीक है, साथ भी याद आता है. ओके सो चालू करें मैं मैथ्स की मेंटी. हां जी बिल्कुल बिल्कुल. बच्चों बोलो एक्साइटेड फॉर मैथ्स मेंटी, थोड़ी सी बड़ी मेंटी होने वाली है ये. मैथ्स मेंटी चाहिए आप लोगों की नहीं चाहिए बोलिए. यस दिखना चाहिए, बहुत सारे यस दिखना चाहिए तभी कराऊंगा. अभी तो सुनाया, अभी कितने गाने सुनने आपको, सर ने सुना तो दिया. हाँ मेरा फेवरेट सॉन्ग बता दिया. नहीं मैं नहीं गाऊंगा, मैं नहीं गाऊंगा. और ओके ओके मैम एक क्वेश्चन आया है थोड़ा सा अच्छा ओरा लेजर्स की तरफ से. सर और मैम आप दोनों का कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस, मैम कोई भी एक्सपीरियंस है क्या? नहीं मेरा तो आई डोंट थिंक सो, आई नेवर हैड सम काइंड ऑफ पैरानॉर्मल, कभी नहीं आया. मेरा थोड़ा बहुत रहा है, एक मतलब छोटा सा इंसिडेंट था, लाइक आई फेल्ट कि किसी ने मेरे यहाँ पे हाथ रखा है. आई वॉज ऑन द बाइक और ऐसा मुझे पता नहीं फील हुआ था या क्या हुआ था कि बाइक भारी हो गई अचानक से, कोई पीछे बैठ गया, बस इतना सा हुआ था. और इसके अलावा कुछ नहीं था, मैंने रोका देखा पीछे कुछ नहीं है तो फिर ठीक है मैं चला गया उसके बाद. बस ये छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ कभी मेरी लाइफ में. ओके हाय हाय हाय. अच्छा बहुत सारे कमेंट्स होते हैं ना तो याद नहीं रहता. चलो जिसको चाहिए मैथ्स की मेंटी, पहले जिन्होंने लाइक नहीं करा मुझे 140 का लाइक गोल रीच करवा के दो, फिर कराऊंगा मेंटी में. मेरे को नहीं पता, हम मेंटी नहीं कराएंगे फिर वरना. चलो 5 लाइक्स बचे हैं. और ये डिसलाइक वालों, ये डिसलाइक वालों क्यों भाई मजा नहीं आ रहा तुम्हें, डिसलाइक को लाइक में कन्वर्ट करो फिर हम कराएंगे मेंटी. चलो डिसलाइक को एटलीस्ट 8 से कम डिसलाइक होने चाहिए तब मेंटी करवा देंगे. चलिए चलिए शॉर्ट हॉरर स्टोरी प्लीज. शॉर्ट हॉरर स्टोरी बेटा मुझे नहीं आती, मुझे तो नहीं आती, मैम को आती है तो पूछ लो. मुझे भी नहीं आती, लाइक मैं भूत मूवीज एंड ऑल आई डोंट, हम तो बिलीव ही नहीं करते मूवीज भूतों में, तो मैम कैसे सुनाएंगे बच्चों. 140 का लाइक टारगेट पूरा करवाइए. चलो फिर मेंटी भी तो करनी है, आइए. चलो मैम मैं मेंटी कोड जो है ना, जो ये वाला मेंटी कोड है बच्चों को दिखाऊंगा ही नहीं. ये वाला जो मेंटी कोड था ना बच्चों को दिखाऊंगा ही नहीं मैं, बच्चे कराएंगे नहीं लाइक गोल तो फिर देखो. अरे ओ ये देखो सब सब डिसलाइक करके चले गए मैम, देखो 14 बच्चों का डिसलाइक आ गया. देखो बच्चों करवा रहा हूँ मेंटी, लाइक में कन्वर्ट कर दो मेंटी करा दूंगा. चलो लाइक में कन्वर्ट कर दो मेंटी करवा दूंगा मैं. चलो हाँ इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए और बच्चे. हाँ ऑपोजिट करो, चलो जल्दी जल्दी घुमाओ इसको. 11 क्यों दिख रहा है मुझे? ओके चलिए चलो मैम फिर मेंटी कोड दे ही देते हैं ना इनको, बच्चे ऐसे दिसदी हो गए हमारे बच्चे. हाँ चलो ये लीजिए 4288099 इज योर मेंटी कोड. ओके चलिए मेंटी कोड ये रहा, बट चालू मैं 140 लाइक पे ही करूंगा. चालू तो मैं 140 लाइक पे करूंगा. चलिए तब तो मैं आपके चैनल्स पे शेयर कर देता हूं मेंटी का कोड. ओके ओके 4288099 इज योर मेंटी कोड. और इसके अलावा मैम बच्चों को पटाइए थोड़ा, बातें बातें कीजिए. हेलो बच्चा लोग कहाँ रह गए हो आप लोग यार? हाँ लाइक करवाइए थोड़ा सा, लाइक का टोटका हो. यस मैम आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन है? अब देखो जो पूछ रहा है वही है. तो गिव अ चांस फॉर योर ऑल नीड गर्ल विद्या वर्मा. ओके स्वागी बॉय सिंगिंग अ सॉन्ग मैम आपका फेवरेट स्टूडेंट. ओके ओके हाय हेलो 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 सर फुल स्क्रीन कर दो भाई सर. बिल्कुल बिल्कुल ये रहे हमारे 28 बच्चे, 31 आ चुके हैं. जिन बच्चों को कोड नहीं पता मेंटी का वो है 4288099. चलिए आ जाइए सारे बच्चे आ जाइए. और इसके अलावा लाइक गोल भी सही करा दो हमारा यार, ऐसे क्या करा रहे हो भाई? इतनी मेहनत करिए मैम ने आपके लिए, मैंने आपके लिए, आप लोगों के लिए मेंटी क्रिएट किए दो दो इतनी बड़ी बड़ी, और उसके बाद भी ऐसे करोगे हमारे साथ आप लोग? चलिए 34 पीपल हियर. यस 0994288099. चलिए आ जाइए. शो स्लाइड, शो स्लाइड, स्लाइड दिखानी है ये लो स्लाइड देख लो. Okay. ये लीजिए. Arnima is asking where do you live? Bachcha, I live in Allahabad. Thank you for asking. आप कहाँ रहते हो? चलो भाई लोग लाइक कर दो, जल्दी जल्दी लाइक कर दो यार, धीरे धीरे क्यों. Yes, menti.com पे जाइए
और 4288099 का कोड यूज कीजिए मेंटी में एंटर होने के लिए. योर वॉल्केनो, ओके शिवानीज वॉल्केनो मैम. देखते कितने बच्चे आ गए, 36 बच्चे हेयर. यस बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, बाकी धीरे धीरे 140 का लाइक गोल है हमारा. रीच करते ही मेंटी चालू कर देंगे एकदम बढ़िया वाली. ओके 140 लाइक गोल है. चलिए देखते हैं पहले है क्या मैम. डोनट मैम मैंने खाया एक दो बार एंड यस आई लाइक्ड इट, अच्छा लगा. गुड गेमर्स यू आर एब्सोल्युटली राइट. बच्चा इलाहाबाद से, उसका इलाहाबाद से नाम चेंज प्रयागराज हो गया है, बट स्टिल जैसे मुंबई वाले अभी भी बॉम्बे बोलते हैं, आई एम लाइक स्टिल हियर, स्टिल इलाहाबाद फॉर मी. इशी इज आल्सो इलाहाबाद. हाय इशी. अरे वाह. ओके मैम बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं. बच्चे एक बात बताओ, आप लोग कहाँ कहाँ के हो हमें बताओ तो सही. आपने हमारा तो पूछ लिया, आप लोग कहाँ से हो. बच्चों आंसर करना चालू करो कि कौन सी सिटी से आप लोग, हम देखते हैं कहां कहां के लोग हो आप लोग यहाँ. चलिए लेट्स सी कि बच्चे कहां कहां से पढ़ रहे हैं. मैम हमसे 40 स्टूडेंट्स आर हियर, सो क्यूट. मैम आपको लिखा है सो क्यूट क्योंकि मुझे तो बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते. थैंक यू बच्चा लोग. ओके सो कॉमेंट्स आना चालू हो गए हैं. लेट्स सी जींद लक्ष्मी हर्ष इज फ्रॉम हरियाणा. जींद इशी इज फ्रॉम अलाहाबाद. Raza Oza is from Ahmedabad, Gaming World, UP, Jammu, Haryana, Allahabad, UP, Agra, UP, Odisha, Haryana, Mumbai, Uttar Pradesh, Delhi, Madhepura, Bihar, Roorkee. Ma'am, बहुत दूर दूर के बच्चे हैं काफी, तो लखनऊ के भी हैं, अमेरिका. देखो रौनक दीप अमेरिका से है. ओके राजस्थान, बेल्जियम, उड़ीसा, वेरी गुड. देखो बच्चों इतना दूर रह के भी आप लोग हमारी क्लासेस ले पा रहे हो घर पे बैठ के, यही है, यही सबसे बड़ी चीज है जो अन अकेडमी आप लोगों को ऑफर करता है. अन अकेडमी ऑफर्स यू घर पे बैठ के. दादरी, अरे वाह सो मुस्कान इज फ्रॉम चरखी दादरी. बच्चा आप कौन सी क्लास में हो मुस्कान. ओके सो बच्चों साथ साथ बच्चा आप आंसर करो, तब तक मैं अन अकेडमी के बारे में बता देता हूँ आपको. अन अकेडमी आपको ऑफर देता है इतना दूर बैठ के भी एक साथ आपके इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ने का, विच इज साइंस के प्रकृति मैम हो गए. और जैसा बच्चे मुझे बोलते हैं तो भाई मैं मैथ्स का तो अच्छा पढ़ाता हूँ, इतना तो मुझे पता लग गया कि आई थोड़ा सा अच्छा पढ़ाता हूँ. ओके सो बच्चों इनसे पढ़ने का ऑफर मिलता है, तो आप लोग अन अकेडमी पे आइए. यूट्यूब पे जो हमसे पढ़ रहे हैं दैट इज जस्ट द ट्रेलर. आप हमसे अन अकेडमी की स्पेशल क्लासेस में पढ़िए एंड वहां ज्वाइन करने के लिए यू कैन यूज द कोड Kapoor10 या फिर Manan10. Completely free content आपको मिल जाएगा वहाँ पे, completely free. मनोज इज आस्किंग क्वेश्चन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मनोज आपका क्वेश्चन क्या है. बच्चा फिर से क्वेश्चन पूछ दो. और बच्चा इसके अलावा यू कैन यूज दिस कोड्स टू गेट 10% ऑफ ऑन सब्सक्रिप्शन. आप प्लस लोगे या फिर आइकॉनिक लोगे, आप सब्सक्रिप्शन पे 10% ऑफ ले सकते हो Before 28 Feb बच्चों, क्योंकि इसके बाद डिस्काउंट हो जाएगा ओनली 5% फ्रॉम 1 मार्च, तो इसका ध्यान रखना. और इसी के साथ हमारी मेंटी चालू करते हैं. 44 पीपल आर हियर, एक बच्चा और जुड़ते ही. चलो मैं मेंटी चालू करते हैं मैथ्स की, देखते हैं बच्चे कौन टॉप करते हैं. चलो 5 4 3 2 1 लेट्स स्टार्ट द मेंटी क्विज. हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. How many medians does a triangle have? Ma'am, 5 seconds बचेंगे तो आपको भी आंसर करना है इसका. Okay. Okay? चलिए 1, 2, 3 या 4. मैम ध्यान ले लो, आपके आंसर सही होने चाहिए, मेरे साइंस के सही हुए थे. बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं यहाँ पे. चलिए हाय मैम, आई एम श्रुति शर्मा. मैम श्रुति शर्मा, श्रुति शर्मा आ गई आपकी क्लास की. हेलो श्रुति, हाउ आर यू बच्चा. चलिए मैम आंसर कीजिए जल्दी से, 1, 2, 3 या 4. क्या बात है, मैम को तो पता है आंसर इसका. हाँ मैम को ध्यान है, बच्चों को भी पता है. दे आर ऑलवेज मीडियन एक्चुअली में होता क्या है. ओके मैम बताइए, थोड़ा सा बताइए मीडियन के लिए. ट्रायंगल के जहाँ पे एजेस मिलते हैं राइट, सो वहां से अगर आप ऑपोजिट एंड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हो, आई थिंक दैट इज द मीडियन. नॉट परपेंडिकुलर मैम, ऑपोजिट साइड के सेंटर में करना होता है. Yes, always perpendicular नहीं होता, but yes, sometimes perpendicular भी होता है. You are late, कोई दिक्कत नहीं है भाई. लेट हो तो 4288099 का कोड यूज करके मेंटी में आ जाओ. बच्चा मुस्कान बच्चा. ओके सो हेयर वी आर,
भवि जैन, हर्ष गर्ग, रौनक, रौनक गॉड गैंग देखो मैम आ गए हैं, और हर्ष ने नाम चेंज कर लिया, मैम का फेवरेट हो गया ना हर्ष, देखते हैं अभी क्लास में है ना, तो कल कल क्लास में पार्टी बदल ली। हाँ पार्टी बदल ली, समर्थ, मुस्कान, हितार, श्रेया, सचिन, अनिशा एंड आदर्श। स्तुति किधर हो, आप तो कह रहे थे लीडर बोर्ड में आओगे, अभी देखते कौन कौन आता है। लाइक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 लाइक्स टू रीच आवर टारगेट 140 लाइक्स। यस यस बिल्कुल बिल्कुल, 140 लाइक्स का टारगेट रीच पहुंचा दो। एंड सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैम पढ़ के बताएंगे। इन अ ट्रायंगल एन ऑल्टीट्यूड जॉइंस अ वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड एट व्हाट एंगल। Altitude, कौन से एंगल पे ज्वाइन करता है ऑपोजिट साइड को, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, जो मैम ने आंसर किया था ना वो वाला है ये। ओके चलिए देखते हैं, आई एम एट 12th पोजीशन आज की पार्टी सर, पार्टी किस चीज की भाई, काय की पार्टी, कीर्ति लो मैम। इसी के साथ हमारा लाइक गोल पूरा हो गया है, 142 लाइक्स हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच एवरीवन। 40 बच्चों ने सही आंसर किया है, 90 डिग्री होता है, एल्टीट्यूड का मतलब ही होता है 90 डिग्री। बच्चों जिन बच्चों का सही हुआ है और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो सेशन को हमारे, एंड इसी के साथ लीडर बोर्ड। मुश्किल काम होता है हाय बोलना, नहीं बच्चा थोड़ा सा ये सबको अकेले मतलब पर्टिकुलरली इंडिविजुअली सबको हेलो बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट सबको साथ बोलना इज वेरी इजी, हेलो 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 बच्चा लोग। बिल्कुल मैम, और साथ में लीडर बोर्ड आ चुका है हमारा, मैम टॉप 3 का नाम पढ़ दो, आप लोग बच्चों खुश कर देते हैं। चलो पहले है हर्ष गर्ग, मैम्स फेवरेट स्टूडेंट भावी जैन, देन वी हैव हितार तोजा, अर्निमा आई लव यू मैम, सचिन टैलेंट आवर सब्सक्राइब, रौनक गोट गैंग, समर्थ श्रीवास्तव, श्रेया, अनन्या एंड अनीशा वाई। हाय 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 हाय, हेलो हेलो, चलो आगे बढ़ा जाए मैम। समर्थ हमारी क्लास में दोनों मेंटी में कल टॉप पे था, देखते हैं आज टॉप 10 में रहेगा, बिल्कुल टॉप 10 में तो रहेगा, देखते हैं कितना ऊपर जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मैं पढ़ के बताऊंगा आप लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इन द गिवन डायग्राम, इनफ टाइम मिलेगा बच्चों को सॉल्व करने के लिए, पूरा 1 मिनट, देखते हैं कितने बच्चों को आता है। यस मैम आप भी कीजिए, आप भी कीजिए, मैम भी आंसर कर रहे हैं, देखते हैं मैम पहले निकालेंगे या फिर ये 13 बच्चों का आ चुका है। मैम देखो आप भी आंसर करो, चलो मैं भी करता हूं, मैं भी भूल गया हूं ये क्वेश्चन। ओके मैम मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर तो आ गया। ओके मैम इसीलिए मैथ्स फेवरेट है मेरी, यही यहाँ सारा कर सकता हूँ मैं दिमाग में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल सही पहुंचे थे, लास्ट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। और 17 बच्चों का बिल्कुल सही आंसर, खुशी ने आते ही बोला हलवा क्वेश्चन, क्योंकि जो बच्चे मेरी क्लास में क्वेश्चन कर चुके हैं ना मैम, उनको ये रट गया है कि किस तरह से किया जाता है, अच्छे से समझ आ चुका उनको, तो बच्चे डरते ही नहीं है। मुझे अब आपकी क्लास रेगुलरली अटेंड करनी पड़ेगी। देखो मैम हर्ष का सही है, खुशी का सही है, उसके अलावा दिव्या का सही है बिल्कुल, यहाँ पे स्तुति का भी सही है और यतिका का भी सही है। मैम ये सारे क्लास के मेरे बच्चे हैं, बिल्कुल याद है मुझे इनके नाम। ओके दिव्या वाज द फास्टेस्ट, श्रुति, स्तुति सर से गुस्सा हूं, क्यों भाई गुस्सा क्यों भाई, क्या कर दिया मैंने ऐसा? स्तुति भाई इधर बताओ, सर जल्दी नहीं कर पा रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं है स्तुति, जल्दी करना भी नहीं है हमें, आराम आराम से सॉल्व करना है। ओके बिल्कुल 143 लाइक्स हो गए, हमारा गोल है 150 लाइक्स का। और ये रहा, हाँ और ए से एक भैया का नाम था, उन्होंने भी लाया था। ओके How many maximum number of exterior angles can a triangle have? Why ignoring? We are not ignoring, बेटा। Actually, हमारा ध्यान स्क्रीन पे भी है, एक साथ यहाँ पे भी है। कुछ कमेंट्स मिस हो जाते हैं हमारे। देखते हैं मैम का सही आंसर है या गलत है। चलो मैम का आंसर लॉक हो चुका है, बच्चों आपका आंसर बताओ। 3, 4, 5 या 6 क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स दैट ट्राइंगल कैन हैव। चलिए ओके अर्नब की डॉगी ने 5 स्ट्रीट डॉग्स को अकेले भगा दिया स्वैग से, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओह वाओ मैसेज नहीं देखा आपने,
अरे स्तुति मैसेज मिस हो गया होगा ना, आपको पता है ना क्लास में भी हो जाते हैं। तो बच्चों आंसर है 6। कैसे है ये क्वेश्चन तो समझाना पड़ेगा मैम, क्योंकि बहुत बच्चों गलत है। देखो दिस इज योर ट्राइंगल, ट्राइंगल ट्राइंगल की तरह ना लगे तो भूल जाना इसको। ये रहा वन एक्सटीरियर एंगल, एंगल नंबर वन, ये रहा एंगल नंबर टू, ये रहा एंगल नंबर थ्री। मैम बताओ मैं सही हूं या बच्चे सही हैं, बोलो। हेलो ये देखो एंगल नंबर फोर, यहां से आया एंगल नंबर फाइव, ये टू लिखा था, और ये रहा मैम एंगल नंबर सिक्स। छह एक्सटीरियर एंगल। अच्छा यस ऑफ कोर्स एक्सटीरियर एंगल ही पूछ रहा है। बिल्कुल मैम एक्सटीरियर एंगल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने पूछा मैक्सिमम कितने होते हैं, तो 6 एंगल्स होते हैं। 3 इज अ गुड आंसर, बट मैंने मैक्सिमम पूछा है, हमेशा 6 एक्सटीरियर एंगल्स पॉसिबल है। द एंगल बिटवीन 2 एंड 5 दिस वन, ये वाला नहीं मैम, एक्सटीरियर काउंट नहीं करते इसको। एक्सटीरियर ये वाला होता है, इसका सम होता है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम, क्योंकि 7 एंड 8 का सम करोगे तो 2 या फिर 5 में से कुछ भी आएगा। ओके चलिए सत्यकाल रोनित, और मैम देखना 11 बच्चों में से किनका सही होगा, आई गारंटी यू। देखो आई गारंटी यू किनका सही होगा, देखना। अरे वाह, देखो हर्ष का सही, ओजस्वी का सही, अपर्णा का भी सही, अपर्णा रोज क्लास में आती है, आदर्श भी आता है, और दिव्या, और किसका गलत हुआ था, खुशी मैंने देख लिया है, अभी क्लास में डांट खाने के लिए रेडी हो जाओ मुझसे। चलिए हर्ष टॉप पे आ गया मैम, इसी के साथ आदर्श भी इधर ही है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आई ओहो आई से रॉन्ग पोल रीजन, सर से पूछ लो खुशी। मैम पता है मेरी क्लास में क्या होता है, बच्चे क्या है ना कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चंस के अंदर एंड गलत कर देते हैं, और फिर क्या बोलते हैं रॉन्ग पोल, सारे रॉन्ग पोल बोलते हैं आके, जो भी क्वेश्चन होता है रॉन्ग पोल बोल देते हैं, या फिर रॉन्ग पोल ही होता है ना तो आके बोलते हैं सर मिस क्लिक हो गया मुझसे, तो मिस क्लिक हो गया। आराम से टाइम लेते हैं मैम 5-6 सेकंड, और फिर मिस क्लिक मार के आता है। तो ये खुशी इसलिए बोल रही है कि सर को पता है रीजन क्या है मेरे रॉन्ग पोल होने का। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे बच्चों, ये रहा। मैं ध्यान से मैं भी कोशिश करती हूँ क्या किया जा सकता है इसमें। इफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ओके इट्स इजी, यस मैम, 23 डिग्री एंड 29 डिग्री एंगल्स है एक ट्राइंगल के अंदर दो, तो थर्ड एंगल बताइए। चलिए इसी के साथ 147 लाइक्स पे हम पहुंच गए हैं बच्चों, 3 लाइक्स पीछे हैं 150 में, जल्दी से रीच करवा दो 150 लाइक्स का गोल हमारा। ओके चलिए सर मिस क्लिक बहुत अच्छा बहाना है, यस बिल्कुल, ये ऑरेंज कलर ही मैम मेरी क्लास का ही है, और मिस क्लिक बहुत, सबको पता मिस क्लिक कितना बढ़िया बहाना है, मिस क्लिक हो गया सर क्या बोलेंगे सर इसके अंदर। चलिए बिल्कुल इसका आंसर बच्चों बताइए कितना आएगा, 5 सेकंड्स में मैं आपको आंसर दे दूंगा। द आंसर इज सी ऑप्शन 128 डिग्रीज, यस। और बच्चों कमेंट भी आ गया सी ऑप्शन के लिए 128 डिग्रीज। बच्चों कैसे होता है एक बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल क्या मैम मैं बताऊं आप बताइए मैम, बिल्कुल बताइए, मैं लिखूंगा आप बताइए। हां जी सर, आप एक पहले ट्रायंगल बनाइए, ठीक है मैम, ये रहा हमारा ट्रायंगल रेडी है। हां जी आप एंगल्स मार्क करिए ए बी सी इनसाइड, ठीक है मैम, एंगल ए ये रहा, एंगल बी ये रहा, और एंगल सी ये रहा, तो हम एंगल ए को डिवाइड कर देते हैं 29 डिग्री, यस जी, एंगल बी कर देते हैं हम लोग कितना था 23 डिग्री, ओके ओके आगे बताइए। सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है बच्चों, होता क्या है एंगल जब अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, आपको दो की वैल्यू दी हुई है तो ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट ऐड अप एंड सबट्रैक्ट इट फ्रॉम 180 डिग्री। ओके सो मैम ने बिल्कुल सही बताया आप लोगों को, दिस इज द इक्वेशन, 52 को वहां ले जाके माइनस करोगे तो 128 डिग्रीज बचता है व्हिच इज दिस एंगल। ओके क्लियर 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 क्लियर, ओके 150 के गोल में हमारा एक लाइक बच गया है, वो जो भी बच्चा है एक बच्चा लाइक कर दो यार, क्या जाता है लाइक करने में, है कि नहीं, इतनी मेहनत किया आप लोगों के लिए,
एंड लेट्स चेक द लीडर बोर्ड. ओजस्वी क्या करा आपने? हर्ष, आदर्श, और ओजस्वी पक्का नीचे होगी. खुशी, ओजस्वी, अस्तिक्या, स्तुति, यतिका, आदर्श, भावी, एंड इट्स अ स्विगी बॉय. हे विद्या, ओके, क्या नाम रखा? नर्क चलो खुल रहा है, वेनम मारा नर्क खुल रहा है. व्हाट? अरे नहीं नहीं, उल्टी सीधी बातें करता है आपसे, क्वेश्चन गलत होते हैं तो करते हैं ऐसे. चलो सिक्स्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा. इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 60 एंड 60 डिग्री, मैम बताना है कौन सा नाम होगा. अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में. और मैम लाइक्स देखो आप, पहले लाइक्स देखो आप कितने पहुंच गए. बच्चों ग्रेट, बच्चों ग्रेट. नेक्स्ट गोल इज 160 लाइक्स का. 5 लाइक्स पीछे हैं हम लोग अभी से ही. चलो देखते हैं. ओके मैम, आप आंसर दीजिए, आप अभी आंसर दीजिए, क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके मैम, बच्चे मैम को तो पता है, लेंथ सेम होती है सारे साइड्स की और इंटीरियर एंगल. ये बच्चे पक्का आइसोसेलस लगाएंगे मैम, देखो आइसोसेलस लगाएंगे. रीजन भी तो दो साइड सेम होती है ना. बिल्कुल मैम, बता देता हूँ रीजन क्या है इसका. बच्चों को क्या लगता है ना कि दो एंगल इक्वल बताए हैं तो तीसरा मत निकालो. बच्चों अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये 60 ही बनता है, और ये 60 ही बनेगा, तो दिस इज व्हाट, इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है ये. चलिए बच्चों का किनका गलत उत्तर देखना. दो लाइक्स बाकी है 160 पहुंचने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और मैम देखना, ये पक्का मेरे बच्चों ने सही तो किया होगा, एटलीस्ट ये मुझे अच्छे से भरोसा है. बाकी मेरा भरोसा उठवा दिया इन लोगों ने. देखो खुशी ने भरोसा उठवा दिया मेरा. हर्ष, स्तुति, यतिका, समर्थ, अपर्णा, दिव्या, अनिशा, वो भी इतनी घटिया डेट पर है. चलो मैम, हर्ष फिर से टॉप पे आ गया. हर्ष काफी बार टॉप पे भी रहता है क्लास के पोल्स में भी. खुशी का नाम बता दो प्लीज. मैम स्तुति है नाम इसका. स्तुति. चलिए खुशी तो मेरे से पक्का डांट खाने वाली है. खुशी तो गई आज. तो खुशी तो ये देखो, खुशी ये गई तुम आज. कल देखना क्लास में तुम तो गई बेटा. नाम याद हो गया मेरे को, पूरा नाक कटवा दिया खुशी ने मेरे. कि मुझे भी अभी थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा बच्चों के साथ. मेरे अभी बहुत मस्त मस्त आंसर, सारे आइंस्टाइन बन के साइंस के आंसर देते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल, आपको भी ध्यान देना पड़ेगा. क्वेश्चन ट्रिकी है ये वाला, डायरेक्ट आंसर नहीं है इसका. तो 5 सेकंड हो जाए, आप ए बी सी डी में से चूज करके बताना. स्पेशल ट्रायंगल बनता है ये हमारा. चलिए आंसर कीजिए मैम. आई थिंक इट्स द लास्ट ऑप्शन. ओके ओके, बच्चे पक्का सी लगाएंगे एज यूजुअल मैम, एज यूजुअल. क्योंकि बच्चों को ये बिल्कुल नहीं पता कि ये जो ट्रायंगल है ये 90 डिग्री होने के साथ साथ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होता है. तो इसका स्पेशल नाम होता है राइट. यस बिल्कुल राइट, आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है, ध्यान दे लो. जिन बच्चों ने मुझसे नहीं पढ़ा है, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चंस में क्लास में कराता हूँ. ये वाला पार्ट आपसे नहीं पढ़ा है, फिर भी देखिए मैंने आंसर सही कर दिया. बिल्कुल मैम बिल्कुल, ये होता है राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल. बिल्कुल, क्योंकि ये राइट एंगल भी है और ये आइसोसेलेस भी है. चलिए लाइक दूर है हम लोग अपने टारगेट से, जस्ट 1 लाइक. ऐसे मत करो, एक डिसलाइक और कर दिया तुम लोगों ने. डिसलाइक प्लीज, ऐसे क्यों कर रहे हो हमारे साथ. और मैम देखो 3 बच्चों का सही हुआ. खुशी, खुशी ने चलो नाक बचा ली मेरी, और हर्ष ने कटवा दी इस बार. ओके, खुशी वाज द फास्टेस्ट, वेरी गुड खुशी. एंड इसके अलावा हर्ष स्टिल ऑन द टॉप. आदर्श, समर्थ, खुशी, अस्तिक्य, यतिका, स्तुति, दिव्या, विद्या, अपर्णा. स्टूडेंट इज आस्किंग कि आपने किसी को कभी किसी स्टूडेंट को मुर्गा बनाया है क्या? मैंने नहीं मैम, मुर्गा तो नहीं बनाया. मैं डांट देता हूँ, अच्छा खासा डांट देता हूँ मेरे सामने बैठा हो. हेलो, और वो हेलो मैम एंड सर, सर की तरफ से भी हेलो, मेरी तरफ से भी हेलो. और चलिए फिर से सर बताइए 8th क्वेश्चन क्या है. बिल्कुल मैम, 161 लाइक्स हो चुके हैं बच्चों, वेरी गुड. 161 लाइक्स हो चुके हैं हमारे. एंड मैम 8th क्वेश्चन आप पढ़ के बताओगे स्क्रीन पे. ये रहा, कैन यू फॉर्म अ ट्रायंगल विद एंगल 65 60 एंड 45?
चलिए आंसर देखते कितने बच्चों का आएगा ये 5 सेकंड में। मैम को भी आंसर देना है ए बी सी में से। ओके मजाक मत करो सर, बेटा नाक कटवा दी तुम लोगों ने मेरी मैम के सामने आज। ओके अरे ये क्या किया, लाइक्स कम कर दिए बच्चों ने। मैम देखो लाइक्स कम कर दिए बच्चों ने, बच्चे बहुत गंदे हैं ना, बच्चे बिल्कुल प्यार ही नहीं करते टीचर से। चलो ठीक है काम कर लेंगे। चलो आई थिंक इट्स लाइक यस सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल बी आंसर है। इनका सम 180 होना जरूरी होता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, और 180 डिग्रीज नहीं बनता, ये हमारा बनता है 150 डिग्रीज व्हिच इज नॉट अ ट्रायंगल, नेवर अ ट्रायंगल। एंड इसी के साथ ये रहा लीडर बोर्ड। यस जो भी नया है सेशन में एवरीवन लाइक कर दीजिए सेशन को, एंड आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। लीडर बोर्ड ये आपके स्क्रीन पे, हर्ष इज स्टिल द फास्टेस्ट, वेरी गुड हर्ष। समर्थ खुशी हस्ती क्या आदर्श स्तुति विद्या अपर्णा अनिशा अनुजस्वी। यस बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैम ही पढ़ेंगे आपका, मैम ही पढ़ के बताएंगे और आंसर ही मैम करेंगे। 9th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलो मैम आ जाइए। एक्सटीरियर इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज एन ऑब्ट्यूस एंगल, इट कैन बी डिपेंडिंग अपॉन इंटीरियर एंगल। यस इट इज ऑलवेज ऑब्ट्यूस, नो इट इज ऑलवेज एक्यूट, इट कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग अपॉन इट्स इंटीरियर एंगल। चलो आंसर कीजिए मैम 5 सेकंड में, सेम है सेम, बिल्कुल 5 सेकंड पे आंसर करना है। थर्ड ऑप्शन एंड बच्चों इट शुड बी थर्ड वन। ओके एंड बच्चों साथ साथ लाइक बढ़वाइए, 160 लाइक्स का टारगेट तो कंप्लीट करवा दीजिए। चलिए ओके यस आंसर है सी वाई। क्वेश्चन के हिसाब से ये देखो बच्चों, अगर मैंने ट्रायंगल ही ऐसा बना दिया तो, अगर मैंने ट्रायंगल ये बनाया जिसमें ये 150 डिग्रीज है, ये 20 डिग्रीज एंड ये 10 डिग्रीज, तो भाई एक्सटीरियर एंगल कितना बचा, 30 डिग्रीज। इन द सेम वे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल हो गया 120 डिग्री, तो इट इज इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन इट्स इंटीरियर एंगल, समझे, इट्स इंटीरियर एंगल पे डिपेंड करेगा हमेशा हमेशा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीडर बोर्ड देख लेते जल्दी से, जमा दो मैं ट्रांसपोर्ट से ही जाती हूँ स्कूल। अच्छा गुड, व्हाट अबाउट यू, बच्चे बातें करने हैं और कहाँ है खुशी, कहाँ है खुशी, कहाँ है खुशी, ने नाक बचा ली मैम फिर से, खुशी इज ऑन द टॉप, खुशी वेरी गुड, हर सेकंड पे क्या, यस स्तुति फोर्थ पे, समर्थ हितार्थ अनिशा आदर्श भावी जैन, मैम भावी भी क्लास में आया करती थी और भावी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और इसके अलावा विद्या, सारे बच्चे ब्रिलियंट है, और अगर कोई नहीं भी था ना उनको ब्रिलियंट बना दिया है मैम इन 2-3 महीनों में, एकदम मस्त मैम मैथ्स बहुत जल्दी सॉल्व कर। अभी आप अपने बच्चों को समझाइएगा सर कि अगर उनको अपना साइंस थोड़ा सा इंप्रूव करना है तो दे कैन अटेंड माय क्लासेस एज वेल, आई होप आई विल बी एबल टू हेल्प देम आउट विद देयर साइंस। टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 98 डिग्रीज एंड 55 डिग्रीज, बच्चों फाइंड द एक्सटीरियर एंगल। चलिए ये क्वेश्चन बताइए एक्सटीरियर एंगल कितना है, एक लाइक बचा है, कोई जल्दी से एक लाइक कर दो, डिसलाइक किसने बढ़ा दी। चलिए डिसलाइक वालों ऐसा क्यों करा, चलो जल्दी से देखो क्या आंसर हो सकता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बस जल्दी से एक छोटा सा एक प्रोसेस करना है इसमें आपको। बिल्कुल 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 35 बच्चे के आंसर आ गए हैं। यस अरे वाह 164 लाइक्स, अमेजिंग 160 लाइक्स पहुंच गए हैं बच्चों, थैंक यू सो मच। 160 लाइक्स, 164 हो गए हैं। हां जी मेरी स्क्रीन पे तो 160 आ रहा है अभी तक, नहीं मेरे पे 163। ओके बच्चों डिसलाइक कर दिया है 164 से 163 हो गया। ओके 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 सो बच्चों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, 98 डिग्रीज एंड 58 डिग्रीज ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो भाई एक्सटीरियर एंगल तो सम होता है दोनों का, सिंपल सिंपल सा इट विल बी 153 डिग्रीज एंड स्कार्फ इज गिविंग एंड एवरीवन जिसको हम हाई नहीं बोल पाए वी आर वेरी सॉरी एंड अ गुड वार्म वेलकम फ्रॉम बोथ ऑफ अस। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मैम, दो क्वेश्चन बचे हैं हमारी मेंटी के आई गेस, और बच्चों का सबका सही है टॉप वालों का अस्तिक्या के अलावा। चलिए स्तुति स्टिल ऑन द, खुशी स्टिल ऑन द टॉप, देन हर्ष देन स्तुति, मैम देखो
तीनों बच्चे ऊपर, हितार्थ भी मेरी क्लास में आता है, समर्थ भी आता है, आदर्श भी आता है, अस्तिक्या का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद किसी और नाम से आता होगा अगर ये, और अनीशा क्लास में आई है मेरे एक अखबार, श्रेया भी क्लास में आती है, एंड श्रेया वाज द फास्टेस्ट दिस टाइम, वेरी गुड बच्चों, नाक बचा ली तुम लोगों ने, नाक बचा ली तुम लोगों ने मेरी. ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, मैम रीड करेंगे, आंसर भी मैम ही करेंगे. ये रहा क्वेश्चन आपका, आई होप इजी क्वेश्चन हो, देखते हैं मैम वो तो. आई कैन फाइंड एवरी एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इफ आई हैव वन एक्सटीरियर एंगल एंड वन ऑफ हिज ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. यस यस, वी कैन डू दैट. मैम आंसर नहीं बताना था बच्चों की मैकी है, देखते हैं गलत करते हैं कि नहीं बच्चे. स्टिल बच्चों देखते हैं क्या करते हो आप लोग इसका आंसर. मैम ने बिल्कुल जोश में आके आंसर ही बोल दिया. ओके, चलिए 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 चलिए. डिसलाइक जिन्होंने भी किया, अगर उनको सेशन में कुछ भी अच्छा लगा, एक मिनट का पार्ट भी, दो मिनट का पार्ट भी, या पूरा सेशन, प्लीज लाइक वापस कर देना उसे, अदरवाइज डिसलाइक हटा देना अपना. इट डजेंट लुक गुड ना, बाकी टीचर्स मेहनत कर रहे हैं फिर डिसलाइक कर रहे हैं उसके ऊपर, अच्छा नहीं लगता. तो आपको लाइक नहीं करना, दैट्स अप टू यू, बट डिसलाइक हटा दो आपका. ओके चलिए, इतनी सी रिक्वेस्ट है हम दोनों की तरफ से. एंड यस, आप बता सकते हो, बिकॉज अगर मैंने एक ट्राइंगल बनाया, मैंने ये वाला एक्सटीरियर एंगल मुझे पता है, एंगल वन इज इक्वल टू 110 डिग्री, मैंने बोला ये 50 डिग्रीज है, तो बच्चे ये वाला तो डायरेक्टली 70 डिग्रीज आ गया, दो एंगल आ गए तो तीसरा वाला 60 डिग्री भी आ गया. यस, आप ट्राइंगल के तीनों एंगल बता सकते हो इफ यू नो वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल एंड वन ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. चलिए क्वेश्चन साथ में यहाँ खत्म करते हैं. लास्ट क्वेश्चन था ये, 167 लाइक हो चुके हैं, 3 लाइक्स कम है हमारे पास. लेट्स सी हम 170 पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते. ओके, सो खुशी इज द विनर बेटा, मजा आ गया खुशी, बहुत अच्छे. 8.95, कांग्रेचुलेशंस बच्चा. और इसके अलावा हर्ष, स्तुति, उसके बाद कौन है फोर्थ पे, कौन है श्रीवास्तव, श्रीवास्तव कौन से, समर्थ था ना फोर्थ पे, समर्थ पे, फिफ्थ पे होंगे, फिफ्थ अस्तिक्या होगी मैम शायद, है ना, फिफ्थ पे अस्तिक्या होनी चाहिए, फिर अनीशा, अपर्णा, श्रेया, विद्या एंड हितार्थ, वेरी गुड. एंड कौन फास्टेस्ट वन, श्रेया फास्टेस्ट थी क्या या अपर्णा फास्टेस्ट थी, आई गेस अपर्णा फास्टेस्ट थी, अनीशा थी, नाम आ जाएगा अभी, अपर्णा थी. ओके, अपर्णा वॉज द फास्टेस्ट एंड वेरी गुड बच्चों, टॉप 10 वालों, वेरी गुड. बाकी बच्चों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, इतनी मेहनत करी आप लोगों ने आज, डबल डबल मेंटी, बिल्कुल वेरी गुड. एंड खुशी और हर्ष ने नाक बचा ली, स्तुति ने भी नाक बचा ली, एंड इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं 170 लाइक्स. क्या बात है, आप लोगों के लिए तालियां, बहुत अच्छा, खुद की पीठ पे ऐसे कर लो. ओके चलिए, खुद की पीठ पे ऐसे कर लो, बिल्कुल यस यस, और हम ऐसे करेंगे यो यो, तेरा ही जलवा. गुड इवनिंग सर, मैं हार गया बेटा. हारे नहीं आप, यू आर ऑन द फोर्थ ना, यू आर ऑन द फोर्थ, हारे थोड़ा ना हुआ, उसको हारना नहीं बोलते. हाय हर्षिता, आई थिंक दिस इज हर्षिताज आईडी, नो, कौन सी मैम, आईसीएसई स्टाफ, आई थिंक इट्स हर्षिता, तो हर्षिता क्लास में आई थी. अक्षर, चलिए चलिए बच्चों, जल्दी से 170 लाइक का टारगेट रीच करवाया था, उसको कंप्लीट कर दीजिए, और आपको कोई क्वेश्चन है हम लोगों से तो वो क्वेश्चन भी पूछ लीजिए. ओके, क्वेश्चन का आंसर राउंड. हां जी, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं. मैम के, मैम ने कुछ बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, चलिए देखते हैं मैम ने कुछ बनाया हुआ आप लोगों के लिए, लेट्स चेक कि क्या क्वेश्चन है वो. और हम इसके साथ यहाँ आ गए हैं, ये मैम ने आपके लिए बनाया हुआ है क्वेश्चंस. यस, 170 लाइक्स पे हम लोग, जिन बच्चों ने डिसलाइक किया, वी आर वेरी सॉरी कि आप लोगों को डिसलाइक करना पड़ा, बट इफ यू कैन देन उस डिसलाइक को हटा सकते हैं आप लोग. ओके, आपके लिए खूब मेहनत कर रहे हैं हम लोग. तो चलो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैम और मैं दोनों आंसर करेंगे उसका, ठीक है. चलिए, मैं क्या करवा रहा था, मैं मैच करवा रहा हूँ बेटा, मेंटी. चलो, माय नेम एंड मीनिंग, बच्चों मेरा नाम मनन है एंड इसका मतलब होता है डीप थिंकिंग. मैम आपका, मेरा नाम प्रकृति है, मेरे नाम का मतलब होता है नेचर. ओके, ट्रैवल, लाइक और डिसलाइक, यस आई लव ट्रैवल, मुझे बहुत पसंद है ट्रैवल करना. मैम आपका, आपके तरफ से,
ट्रैवल आई एम अ लेजी पर्सन। ओके चलिए, व्हाट टाइम आई स्टडी। बच्चों मैं तो नहीं पढ़ता आजकल, देखो मेरा पढ़ाई हो चुकी है, मेरी मेरी ग्रेजुएशन भी हो चुकी है। मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए पढ़ता हूँ, वो भी क्लास से पहले मैं थोड़ा पढ़ के आता हूँ, एनसीईआरटी वगैरह चेक करके आता हूँ। आपका मैम मैं रात में पढ़ाई करती हूँ। ओके फेवरेट फूड। फेवरेट फूड मैम आपका? मेरा तो है कड़ी चावल। कड़ी चावल मेरा है, कड़ी चावल मम्मी के हाथ का। पिज्जा तो खाना है तो फिर आलू पराठा होना चाहिए। आलू पराठा नहीं, मैम तो बोल दिया। ओके आलू पराठा मैम का फेवरेट खाना भी है। ओके फेवरेट सॉन्ग आई गेस हमारा हो चुका है। फेवरेट फ्लावर मैम क्या है? येलो रोज। आपका? येलो रोज मैम, मेरा पिंक वाला रोज आता है ना, मेरा वो फेवरेट रहता है। ओके डू आई पेंट? नो आई डोंट पेंट, आई डोंट पेंट, मैं इससे बनाता हूँ आपकी क्लास में जो मस्ती करता हूँ। कोड क्या है? कोड तो पूरा हो गया बेटा, मेंटी पूरी हो चुकी है। ओके मैम आपका फेवरेट फन क्विज है ये? ओ मेरा फोन बंद हो। पेंट करते हो आप? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके बीच या माउंटेन मैम, चूज करो बीच या माउंटेन। अगर गर्मी है तो माउंटेन्स और सर्दी है तो फिर बीच। एक एक चूज करना है आपको, अभी ऑप्शन मिले जाने का, तो क्या चूज करोगे? ओके देन आई विल गो फॉर बीच। ओके मुझे बच्चों माउंटेन्स बहुत पसंद है, मतलब मैं गया हुआ हूँ शिमला साइड में घूमने। एंड मैम आपका फेवरेट एजुकेटर स्कूल टाइम कॉलेज टाइम का, कोई एक नाम, कोई एक नाम जो आपको बहुत पसंद हो, टीचर जो? मिसेस बेनेडिक्ट। ओके मेरे फेवरेट टीचर थे गावेश सर, जो उन्होंने मुझे कोटा में पढ़ाया था मैम। ओके स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसका आंसर हम लोग नहीं करेंगे। ओके एनिमल्स, यस एनिमल्स मैम, पसंद करते हो एनिमल्स को या नहीं? यस यस आई लव एनिमल्स। आप क्या कौन सा आपका फेवरेट है? डॉग मैम, सेम डॉग्स मुझे पसंद है। इनफैक्ट मेरी कॉलोनी के जो भी पेट्स हैं या फिर स्ट्रीट डॉग्स हैं, सबके साथ खेलता हूँ मैं कभी कभी। oh. सबके साथ खेलता हूँ। और जो जो मतलब पेट डॉग्स है ना, वो देखते मुझे मुझे देखते भाग के आ जाते हैं, कॉलर को खींच खींच के ले आते हैं वो लोग, तो बहुत फन होता है उसमें। ओके बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी या कॉफी? इसका आंसर भी हो चुका है, आई लव कॉफी। एंड मैम को कॉफी क्या पसंद है? कॉफी। ओके कॉफी पसंद है मैम को। एनिमल से क्वेश्चन होगा, मॉर्निंग पर्सन नाइट पर्सन? बेटा आई एम अ नाइट पर्सन मैम। नाइट पर्सन। ओके एज अ स्कूल किड नॉट नॉट मेकिंग हैबिट्स ऑफ माइंड, माय फेवरेट कलर मैम, फेवरेट कलर ये हो चुका है हमारा, है ना? हो चुका है, ये भी हो चुका है। बाकी मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। सर आप बचपन में नोट्स बनाते थे स्कूल टाइम में, अपनी नोटबुक मेंटेन करते थे? ओके आप करते थे? चलिए मैं तो नहीं करता था, इतना कुछ नहीं था, मम्मी डांटती और थी मुझे कि क्यों नहीं करता तू। कवर वगैरह मम्मी दी चढ़वा के देते थे मुझे उस पर। फेवरेट आउटफिट बच्चा, मेरे पास एक अभी नई शर्ट है ग्रे कलर की विद ब्लैक पैंट्स, मेरा वो फेवरेट आउटफिट है, मतलब वो मुझे बहुत पसंद आया आउटफिट मेरा। और ये गिफ्टेड है, ये ग्रे शर्ट गिफ्टेड है, ब्लैक पैंट में उसी की मैचिंग का उसी इंसान को चॉइस करवा के लाया था। एंड मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है मुझे। गुड कॉम्बो। बिल्कुल मैम, आपका आपका फेवरेट आउटफिट मैम? दिस ब्लू टी शर्ट एंड लाइक जीन्स, सिंपल ब्लू टी शर्ट, एनीथिंग ब्लू, ब्लू शर्ट, ब्लू 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 जो भी चलेगा। फेवरेट कार मैम, आपकी फेवरेट कार कौन सी है? मिनी कूपर। आपकी? मैम मेरी फेवरेट कार जो हमारे पास है वो ये, क्योंकि मैं चलाता हूँ वो होंडा की अमेज है मेरे पास यहाँ घर पे, पापा की गाड़ी, और मुझे वो पसंद है। बाकी आई एम मोर ऑफ अ बाइक पर्सन, मेरे को बाइक ज्यादा पसंद है। केटीएम? बिल्कुल केटीएम वगैरह नहीं, मतलब पल्सर भी नहीं, अपनी यामा की बाइक्स मुझे बहुत पसंद है। एंड इनफैक्ट मैं लेने भी वाला हूँ, मेरी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाएगी बाइक, ये फाइनल हो चुका है। थैंक यू थैंक यू। एंड माई फेवरेट सीजन, माई फेवरेट सीजन बच्चों, मेरा फेवरेट सीजन इफ यू लास्ट मी, मेरे को गेम ऑफ थ्रोन्स काफी अच्छा लगा था टिल सेवेंथ सीजन। और आपका? मेरा आई थिंक आई रियली लाइक मॉडर्न फैमिली, अभी पता नहीं वो उसके एपिसोड आ रहे हैं नहीं, बट आई रियली लाइक। ओके फेवरेट यूट्यूब चैनल, ये हो चुका है क्वेश्चन हमारा, फेवरेट यूट्यूब चैनल। फेवरेट मूवी रहती है? फेवरेट चॉकलेट मैम, फेवरेट चॉकलेट कौन सी है? आई लाइक इट कैट। और मुझे अमूल की डार्क चॉकलेट पसंद है। बीटीएस फैन? नो आई एम नॉट अ बीटीएस फैन। डू आई प्ले सम इंस्ट्रूमेंट?
एक्चुअली मैंने बचपन में हारमोनियम सीखा हुआ है, ओम जय जगदीश अरे सीखा हुआ इसके ऊपर, और वो दीदी ने भी साथ में सीखा था मेरी, तो मतलब हाँ बजाया हुआ है मैंने, बिल्कुल यूज किया हुआ है। आपका मैम? मेरा नहीं, मुझे तो आता ही नहीं है कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना। ओके, सो डू आई हैव एन इंस्टाग्राम? यस बच्चों, इंस्टाग्राम है, बट आई वोंट टेल यू द आईडी, ठीक है? बिल्कुल आईडी नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को, ओके? और यस मैम भी इंस्टाग्राम पे बता देता हूँ आपको। ट्विटर अकाउंट? यस वी डू हैव अ ट्विटर अकाउंट, हम दोनों के पास ट्विटर अकाउंट है। स्ट्रीट शॉप या मॉल शॉप? स्ट्रीट शॉपिंग, बिल्कुल स्ट्रीट शॉपिंग, ज्यादा ऑप्शन ज्यादा लगता है और सस्ता मिल जाता है आइटम, मेन तो वो है, सस्ती मिल जाती है, मम्मी पापा से डांट नहीं पड़ती लाने पर। क्वाइट और टॉकेटिव मैम? क्वाइट, मैं टॉकेटिव हूँ बिल्कुल। और एंग्री बर्ड या काम ट्री मैम, कौन सा गेम? एंग्री बर्ड, मतलब बिल्कुल एंग्री बर्ड होते हो या आप शांत रहते हो? बिल्कुल मैं मैम शांत रहता हूँ वैसे तो। अच्छा वैसे वो क्वेश्चन था ये, ओके तो मैं गुस्सा हुआ करता था, अब मैं बहुत शांत रहता हूँ, मैं बहुत शांत रहता हूँ बिल्कुल। और ये क्या था मैम, मेरी स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा, ओके माय फेवरेट मूवी मैम, एंटमैन के नाम से मूवी है मार्वल्स की, मैम 20 बार से ऊपर देख चुका हूँ, मतलब पता नहीं ऐसा उस मूवी में क्या है कि मुझे कभी भी दिखा लो वो, मुझे कभी भी दिखा लो मूवी, और मैं देख चुका हूँ बहुत बार, जब भी मूड खराब है मूड अच्छा है एंटमैन लगा के चल जाता हूँ, और पता है क्या उसका पार्ट 2 भी आ चुका था, अब मैं कंफ्यूज हो गया कौन सा वाला देखना चालू करूँ, उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी थी बिल्कुल, वो पार्ट 2 आ गया ना मैं कंफ्यूज हो गया मैं कौन सा देखूं बैठ के, दोनों पसंद है मुझे तो एक साथ, और थोड़ा सा टाइम नहीं होता था। आपका बताऊं आप कौन सी फेवरेट मूवी है? फेवरेट मूवी हिंदी मूवी तो आई लाइक जब भी मैं टैन विकी डोनर, ये मैं कभी भी देख सकती हूं। और ओके एंड देन कोई हॉलीवुड में? हॉलीवुड में आई लाइक कोई भी फॉर यू, मतलब रीसेंट फेवरेट्स में तो मे बी फॉर यू है। मे बी फॉर यू, ओके चलिए इसके साथ ये पार्ट तो हो गया बच्चों पूरा। एंड हेलो हेलो हेलो, जो भी बच्चे अभी सेशन में लेट आए हैं या कुछ भी आए हैं, जिन्होंने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड उसके बाद हम छोटा मोटा सा काम और करेंगे। लाइक लाइक आपको थोड़ा सा बताना भी तो पड़ेगा, अनअकैडमी क्या है, क्या चलता है यहाँ पे। तो बच्चों अनअकैडमी ऑफर करता है आपको एक प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। Plus subscription gives you India's best educators, interactive live classes, live tests and quizzes and creative corner. Okay? ये चार चीजें मिलती है प्लस में। आइकॉनिक का मैम बताएंगे अलग से क्या क्या है, ये तो प्लस का मिलता ही है, आइकॉनिक में क्या क्या मैम? बच्चों पर्स, आपको आइकॉनिक में क्या होता है, यू गेट अ पर्सनल मेंटर हियर एंड यू गेट अ लेजेंडरी फेस टाइम, सो आपके एजुकेटर एकदम आपके सामने रहते हैं, आप अपने जितने भी डाउट्स आपको पढ़ने के साथ आते हैं वो आप उनसे पूछ सकते हैं, राइट? और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर इनका होता है पेरेंट कनेक्ट, जैसे स्कूल में होता था ना आपकी पीटीएम होती है, तो वी हियर वी हैव ओपन आवर्स वेयर योर पेरेंट कैन गेट इन टच विद द मेंटर और वो आपकी असेसमेंट्स और आपकी क्लास परफॉर्मेंस डिस्कस कर सकते हैं। और स्टडी प्लानर वेयर यू कैन स्ट्रेटेजाइज योर होल प्रिपरेशन, आप अपने मेंटर से कंसल्ट करके अपना एक पूरी स्ट्रेटजी और एक अपना स्टडी प्लान भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके बच्चों ये मिलता है आपको आइकॉनिक के अंदर, और क्रिएटिव कॉर्नर आपको मिलता है बच्चों यहाँ पे, बियॉन्ड द स्कूल सिलेबस आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, लाइक हिस्ट्री थ्रू एजेस, फाइनेंशियल लिटरेसी, रोबोटिक्स, आपको जो भी पढ़ना होगा ना अलग से यहाँ मिल जाएगा। ऑरेटर्स कॉर्नर होता है आपके यहाँ पे, 6 कोर्सेज अवेलेबल है, डिबेटिंग सीखनी है, पब्लिक स्पीकिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सब सिखाया जाता है आपको। एंटरटेनर्स कॉर्नर के अंदर मैजिक, मैजिक ट्रिक्स, फिल्म मेकिंग, म्यूजिक, इन सब के बारे में को नॉलेज दी जाती है। एंड यू हैव बुक लवर्स कॉर्नर विच इज ब्लॉगिंग, मास्टर स्टोरी टेलिंग, बुक क्लब और बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है यहाँ पे, आप लोग क्रिएटिव कॉर्नर में कुछ नया सीख सकते हो। साथ साथ हमारा लाइक गोल हमने बढ़ा दिया है 175 लाइक्स का। इसके अलावा बच्चों ये रहा प्रकृति मैम का स्केड्यूल, मैम ये किसके अंदर है, ये यूट्यूब पे है या स्पेशल पे है? जी ये यूट्यूब शेड्यूल है, ये है क्लास 6 to 8। ओके मैम ये यूट्यूब पे कौन से चैनल पे आएगा आपका? यूट्यूब है 6 to 8 अनअकैडमी साइंस, साइंस। ओके बच्चों ये हमारे न्यू चैनल्स हैं अन अकेडमी 6 to 8 साइंस मैथ्स के, जहां पे आपको 30 to 40 मिनट्स की क्लासेस के अंदर आपको टॉपिक रिवाइज होगा पूरा बढ़िया तरीके से। एंड मैम रोज क्लास लेते हैं यहाँ पे 4 PM पे फ्रॉम ट्यूसडे टू संडे,
एक बीच में थर्सडे मैम खा गए, मैम आराम करते होंगे उस दिन, ट्यूजडे वेंसडे फ्राइडे सैटरडे संडे, यस 5 days को मैम क्लास लेते हैं। इसके अलावा ये हो गया हमारा मेंटी, एंड इसके बाद आगे आएंगे हम लोग का हो गया सेशन यहाँ पे कंप्लीट। और मेन मेन चीज बता देते हैं आपको, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड यू हैव द कोड Manan10 विद यू, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, एंड Kapoor10 विद यू। आप सब्सक्रिप्शन लेंगे इनमें से किसी भी कोड से, आप यू विल गेट 10% ऑफ। बट बिफोर मैम बोलिए, 28 फेब से पहले 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको, बट मैम आफ्टर 1 hour कितना कर दिया इन्होंने डिस्काउंट, 5% ऑफ मिलेगा बच्चों, क्या करोगे लेट लेके, पैसा खराब होगा आप लोगों का। तो आई सजेस्ट यू, वी सजेस्ट यू टू बाय द सब्सक्रिप्शन बिफोर 28 फेब, 10% मिलेगा आपको, एंड मे बी प्राइसेस इंक्रीज हो जाए मार्च के अंदर, तो इसका ध्यान रखते हुए कंफर्म न्यूज नहीं है, बट मे बी इंक्रीज, क्योंकि हमेशा इंक्रीज तो होते हैं हर सेशन के अंदर, तो 10% ऑफ मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज है, यू कैन एक्सेस फ्री कंटेंट ऑन Unacademy ऐप। आप जाएंगे क्लास 7th में हमें सर्च करके कोई भी क्लास देखना चाहेंगे, देन यू विल हैव टू अप्लाई अ कोड, सेम कोड्स कैन बी अप्लाइड टू अनलॉक फ्री कॉन्टेंट। ओके, टीचर क्लासेस देखिए हमारी, कुछ भी कीजिए, वहां बहुत मस्ती होती है। यस yes. और इसके अलावा चलिए मैम, बच्चे आपस में बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, और 175 लाइक्स होते ही विल एंड आवर सेशन। मैम कुछ आप बोलिए बच्चों से, कमेंट्स वगैरह पढ़िए, तब तक मैं चेक कर लेता हूँ। आप मेरे कमेंट्स मुझे बता दीजिए, एक्चुअली मेरा फोन बंद हो चुका है। ओके मैम एक सेकंड दीजिए, थोड़ा सा वेट करते हैं, बच्चे 175 लाइक्स कर दे तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। ओके चलिए, बाकी बच्चों अपने हाल चाल बताइए, हाउ वॉज योर डे टूडे, ये बताइए सारे बच्चों, आप बताइए हाउ वॉज योर डे, ताकि हम लोग भी आगे देखें। एंड एवरीवन जो भी डिसलाइक कर रहे हैं, प्लीज डिसलाइक मत कीजिए, टीचर बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, डिसलाइक करना मतलब इट्स लाइक यू आर सेइंग कि हम मेहनत नहीं करते हैं, आप देख लो क्या करते हैं आप लोग। हाँ डिसलाइक करने का मतलब तो यही बनता है ना, यू डोंट लाइक अस, तो ऐसा मत करो, अच्छी बात नहीं होती, फुल मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए हम लोग। ओके सो मैम वी हैव 176 लाइक्स, एंड बच्चे क्या बोल रहे हैं, फाइनली 176 लाइक, हमारा लाइक गोल रीच हो चुका है, एंड इसके साथ साथ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लिटिल बोरिंग बट नाउ गुड नाइट। ओके ओके एग्जाम की तैयारी मैम, तो चलो इसका सेशन एंड करें मैम हमारा। हाँ जी मिलते हैं फिर सबसे कल, बहुत ओके बच्चों, कल मेरी छुट्टी है, मैम की क्लासेस है, यस मैम की क्लासेस लेना जरूर, मैम का स्केड्यूल आप लोगों के पास है, एंड मैं कल छुट्टी ले रहा हूँ, कल आई हैव टू शिफ्ट, एंड परसों से मेरी क्लासेस रेगुलरली चालू। मैम शेड्यूल बता दीजिए आप, बच्चे पूछ रहे हैं, आप अपने एग्जाम अच्छे से करिएगा, और बाकी आपके साइंस मैथ्स के लिए कोई भी डाउट, कोई भी शंकाएं, कोई भी दुख तकलीफ कुछ हो मैथ्स और साइंस से रिलेटेड, बोथ ऑफ अस आर ऑलवेज हियर विद यू। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, बाकी आई विल बी टेकिंग योर क्लासेस ऑन Unacademy क्लास 7th का जो चैनल है, विच इज दिस वन ओनली, मैं यहाँ पे परसों से क्लासेस चालू करूंगा, एंड Unacademy। ओके मेरा पेन टैब सही से काम नहीं कर रहा है अभी, ओके ओके थोड़ा बेयर करना मेरे साथ। Unacademy 6th to 8th जो मैथ्स का चैनल है हमारा, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, यहाँ क्लासेस लूंगा आपकी थोड़ी सी, एंड स्पेशल क्लासेस तो होती है हमारी। और बच्चों इसके लिए खुशखबरी एक थोड़ी सी आपके लिए, थोड़ा सा खुद को प्रमोट कर रहा हूँ यहाँ पे, बट आई विल बी टीचिंग इन द प्लस कोर्सेज फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, मार्च से मैं पढ़ाना चालू करूंगा प्लस क्लासेस में, जो जो भी मुझसे पढ़ना चाहता है, यू हैव माई कोड, यू हैव मैम्स कोड, किसी का भी कोड यूज कर सब्सक्रिप्शन लेंगे, एंड यू कैन ज्वाइन माई प्लस क्लासेस फ्रॉम द मार्च। ओके बहुत मस्ती होगी, एंड यस मैम 180 लाइक्स हो गए हैं, जिन्होंने डिसलाइक किया मैम उनको भूल जाते हैं, हम बच्चे को पसंद नहीं करते हमें, बट वी हैव 180 स्टूडेंट्स हु लाइक अस, दैट इज अ बिग थिंग मैम, दैट इज अ बिग थिंग। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर अमेजिंग प्रेजेंस, थैंक यू सर।
थैंक यू मैम, ये सेशन काफी अच्छा रहा अनअकैडमी 6 to 8 के लिए भी, हमारे लिए भी, बच्चों के लिए भी. एंड थैंक यू एवरीवन, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना. यू हैव द कोड MANAN10 विद यू एंड Kapoor10 विद यू. इसके अलावा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है. एंड यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस करना. थैंक यू बच्चों, हैप्पी जर्नी एंड गुड नाइट. गुड नाइट बच्चों, हैप्पी जर्नी. थैंक यू सो मच. ओके मैम, चलिए ठीक है, बाय बाय सर. फिर एंड करते हैं सेशन, मिलते हैं सब लोग कल. बाय बाय.